So, today's chapter is arithmetic progression, and this is chapter 5 of class 10th And in this particular chapter, we will learn what is an arithmetic progression, Uski short form is AP. We will also learn the standard form of an arithmetic progression. Then we will learn how to find the nth term of an arithmetic progression, and in the end, the sum of nth term of an arithmetic progression. So, in totality, arithmetic progression. Ki kya hai? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी एन टर्म क्या है और यदि एन एट टर्म मालूम है उनका सम क्या है तो ये चार चीज़ें ही हम पढ़ेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट पहले हम नेचर में देखें और यदि नेचर में देखें कि देर आर थिंग्स विच फॉलो अ सर्टन पैटर्न वो कुछ एक पैटर्न फॉलो करती है नेचर के अंदर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें फॉर द दैटल्स ऑफ अ सनफ्लावर ये सनफ्लावर है सूरजमुखी का फूल इसमें ध्यान से देखो ये पैटर्न उसके जो बीज होते हैं आप अब ध्यान तो से रखिए पत्ते तो सब में ऐसे होते हैं फूल के पर ये देखो इट इज़ फॉलोइंग अ ब्यूटीफुल पैटर्न लाइक जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया हो देर इज अ पैटर्न दैट मीन्स कुछ रूल तो फॉलो कर रहा है ये क्या है मधुमक्खी का छत्ता वी कॉल हनी कॉम तो ये हनी कॉम में भी देखोगे इसमें जितने भी छत्ते में जितने भी छेद हैं दे इट दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न और ये सब हेक्सोगनल सिक्स साइज है हर एक में राइट तो ऐसा कैसा होगा कि इसी शेप में बनाते हैं तो उस तो है दैट मीन्स नेचर में चीज़ें अपने आप ही पैटर्न फॉलो करती हैं कैसे फॉलो करती हैं वो हमें नहीं मालूम बट दे फॉलो सेम एग्ज़ाम्पल में इफ़ यू लुक एट पाइनएप्पल कहा होगा आपने बहुत जो अखबार उसमें क्या देखिए स्पैरल शेप होती है इनकी आप इसको यदि जाओगे ना शॉप में उसको बोलोगे कट करो तो वो स्पैरल फॉर्म में ही कट करता है ऐसा नहीं है कि एक एकदम एक सीधा सीधा छील देगा नहीं तो वो काट ही नहीं पाओगे इसमें इसमें इतने काटेज टाइप के होते हैं वो उस मतलब अगले खाना डिफिकल्ट हो जाएगा सो ही हेज़ टू फॉलो द स्पायरल थिंग और ही स्पैरल पैटर्न है और भी कुछ पैटर्न देखते हैं वट इज़ दिस अब कोन चीड़ के पेड़ होते हैं हिमालय में आप जाओगे ना तो आपको कैसे चीड़ के पेड़ देखेंगे उनमें उसके फूल लगते हैं ये देखो बड़े सुंदर होते हैं ये दे आर ऑल्सो फॉलोइंग पैटर्न दैट मीन्स दुनिया में हर चीज़ का कोई पैटर्न है ये क्या है भुट्टा राइट मेज कॉब इसके अंदर भी ये सब इसके दाने हैं देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मीन सब एक लाइन में है उसके बाद में भी एक एक करके यहाँ से वो बड़े छोटे छोटे और फिर छोटे हो चो गए दैट मीन्स इट इज़ फॉलोइंग अ पैटर्न ये क्या है लेडी फिंगर राइट उसमें देखो बीज लगे हुए हैं उसका यह है पैटर्न है और यदि इसका क्रॉस सेक्शन देखो ये जो कटी हुई है देखो बिंडी राइट right? वो भी एक, कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एजेस हैं और हर एज के अंदर आप यू विल फाइंड द सीड्स लाइक दिस कहने का मतलब यह है कि दुनिया में हर चीज़ में कोई ना कोई पैटर्न होता है क्या ये पैटर्न कुछ चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है और ऐसे ही थी और भी कुछ जगह हैं डे टू डे लाइफ में देखें वी ऑल्सो सेम सेम सिमिलर टाइप के पैटर्न्स लाइक एंड और यू कैन फाइंड द पैटर्न ऑल्सो यदि दिख नहीं रहे हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो दिखेंगे जैसे एग्जाम्पल है रीना अपलाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड रीना एक लड़की थी उसने जॉब में अप्लाई किया सेलेक्ट हो गई शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ एट थाउजेंड तो उसको क्या ऑफर मिला एट थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे विद एन एनुअल इंक्रीमेंट और रुपीज़ फाइव हंड्रेड इनहर सैलरी एक साल बाद उसकी सैलरी कितनी राइज हो जाएगी फाइव फाइव हंड्रेड रुपीज़ दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर से उसको कितने मिलेंगे फर्स्ट ईयर में तो उसको कितने मिलेंगे एट थाउजेंड रुपीज़ नेक्स्ट ईयर में क्या होगा फाइव हंड्रेड बढ़ जाएंगे तो एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड उससे अगले साल के होंगे फिर फाइव हंड्रेड बढ़ जाएंगे नाइन थाउजेंड ईयर ऑन ईयर उसके फाइव फाइव हंड्रेड रुपीज़ सॉरी फाइव हंड्रेड रुपीज़ इंक्रीज होते चले जाएंगे देन दैट मीन्स उसकी जी सैलरी का पैटर्न देखेंगे ओवर द ईयर यू विल फाइंड देर इज अ पैटर्न एंड वट इज द पैटर्न कि एट थाउजेंड एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड कंटिन्यू डिफरेंस इज देयर दैट मीन्स इट इज़ फॉलोइंग अ पैटर्न और भी चलो कुछ लेते हैं ये क्या है एक सीढ़ी सीढ़ी आप क्या देख रहे हो देखो ये वाला फर्स्ट स्टेप काफ़ी चौड़ा है फिर थोड़ा छोटा 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 अल्टीमेटली छोटा इससे क्या होता है सीढ़ी काफ़ी स्टेबल हो जाती है नीचे चौड़ा होगा ऊपर कम होगा तो सीढ़ी क्या होगी आपकी स्टेबल होगी तो दैट मीन्स यहाँ पर भी जो भी कारीगर है या आपका जो कारपेंटर है यदि लकड़ी की है उसने या मेटलिक की है तो जो भी मैकेनिक होगा उसने ही हैज़ फॉलो द पैटर्न तो आप पढ़ लो देखो यही चीज़ हमें लिखी है द लेंथ ऑफ रग्स ऑफ द लेडर रग मीन्स ये स्टेप्स द रग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय टू सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप मींस आप इस फिगर में देखेंगे यहाँ से लेके टॉप तक उसके हर स्टेप पर टू सेंटीमीटर कम हो जाता है द बॉटम रग इज़ 45 सेंटीमीटर लेंथ सबसे नीचे वाला कितना है 45 फाइव सेंटीमीटर उसकी लेंथ है दैट मींस द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड और अप टू एट क्योंकि इसमें एट ही स्टेप्स हैं फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप आर रेस्पेक्टिवली यही होंगे कैसे पहला 45 उसमें नेक्स्ट में क्या होगा दो कम 43 थ्री टू माइनस फोर्टी वन थर्टी नाइन थर्टी सेवन थर्टी फाइव यही हो थर्टी थ्री थर्टी वन देट मीनस देर इज़ इन दिस ये मेरे को आपको सीरीज दिखाऊं तो यू आर फाइंडिंग देर इज अ पैटर्न पैटर्न में क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म डिफरेंस से हर एक में टू 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 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है सो दिस इज इज़ अनदर टाइप ऑफ पैटर्न और शेप में आपको ये दिख ही रहा है ऐसे एक और एग्जाम्पल लो इन अ सेविंग स्कीम सेविंग स्कीम बैंक्स में आप पैसा लगाते हो ना वहाँ पे होती है तो इन सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम फाइव बाई फोर टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ आफ्टर एवरी थ्री ईयर्स हर तीन साल के अंदर जो आपका अमाउंट है फाइव बाई फोर टाइम्स हो जाता है फाइव बाई फोर मतलब कितना हुआ फाइव डिवाइड बाई फोर कर लो फाइव डिवाइड होके हुआ दैट मीन्स वन पॉइंट कितना टू फाइव तो वन पॉइंट टू फाइव परसेंट आपका थ्री ईयर्स में हो जाएगा इफ़ यू पुट हंड्रेड रुपीज़ तो तीन साल में कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये बता रहे हैं द मैच्योरिटी अमाउंट इन रुपीज़ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ एट थाउजेंड हमने पहली बार जो खर्च किए एट थाउजेंड रुपीज़ स्कीम में लगाए खर्च किए मतलब स्कीम में लगाए तो आफ्टर थ्री ईयर्स सिक्स ईयर्स नाइन ईयर्स एंड ट्वेल्व ईयर्स यदि आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे ये पता लगा सकते हो क्योंकि एवरी थर्ड ईयर में कितना हो जाता है फाइव पॉइंट फोर तो एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फाइव पॉइंट फोर तो आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा पहले साल जब एट थाउजेंड उसके थ्री ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा इतनी वैल्यू आएगी 8000 को मल्टीप्लाई करो 5.4 से 2000 आया दैट मीन्स एवरी थ्री ईयर्स के बाद इसमें आप 2000 थाउजेंड यहाँ एड हो गए फिर टेन थाउजेंड का वितना वन पॉइंट टू फाइव दैट मीन्स ट्वेल्व तो आप देखेंगे देर इज अ पैटर्न एंड द पैटर्न इंडिकेट्स वट कि फाइव बाई फोर टाइम्स हो जाता है वट एवर इज द प्रिंसिपल मनी पहले 8000 थी उसका फाइव 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 बाई फोर टाइम्स हो गया फिर टेन थाउजेंड का फाइव बाई फोर इसका फिर टेन फाइव बाई फोर और इसका फाइव बाई फोर तो दिस विल कंटिन्यू टिल द स्कीम इज ओवर दैट मीन्स द स्कीम और द बैंक ने जो फैसिलिटी दी है इट इज़ फॉलोइंग अ पैटर्न ऐसे बोल सकते हैं या हम बहुत बार क्या बोलते हैं इट इज फॉलोइंग अ फार्मूला फार्मूला क्या है इट इज़ अ पैटर्न लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जिससे कि ना आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आया तो या तो हम इसको लेफ्ट को पढ़ लें या ये फिगर देखें तो देखो ये फिगर क्या है एक स्क्वायर ये क्या है एक बड़ा स्क्वायर ये उससे बड़ा स्क्वायर पर इन बड़े स्क्वायर को भी यदि इन साइड में देखोगे तो क्या है ये जो छोटा स्क्वायर है तो हमने वन टू थ्री फोर ऐसे चार छोटे स्क्वायर को रख के एक बड़ा स्क्वायर बना दिया यहाँ पे क्या किया थ्री और थ्री नाइन सेम छोटे वाले स्क्वायर को मीन्स नाइन स्क्वायर को रख के हमने बड़ा स्क्वायर बना दिया दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न एंड द पैटर्न वी कैन से यदि पहला एक सिंगल है तो इट इज़ वन स्क्वायर मी इज वन का स्क्वायर वी इज वन सेकेंड वाला क्या टू इंटू टू यदि मैं आपको काउंट करने को बोलूँ तो आप कैसे काउंट कर दोगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करोगेगा टू इंटू टू दैट मीस टू स्क्र इसके यदि स्क्वायर काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे काउंट करो या बेस्ट तरीका क्या होता है कितने रोज में और कितने कॉलम है तो थ्री इंटू थ्री थ्री डीजन नाइन तो आपने इमीडिएटली पता लगा लिया और यू कैन राइट थ्री स्क्वायर दैट मीन्स ये जो शेप है इट इज़ फॉलोइंग अ पैटर्न पहला वन स्क्वायर है उसके बाद टू स्क्वायर हो जाएंगे उसके बाद थ्री स्क्वायर हो जाएंगे तो नेक्स्ट यदि मैं आपसे पूछूँ शेप या बड़ा वाला जो स्क्वायर बनेगा उसके अंदर कितने छोटे वाले स्क्वायर होंगे यू विल से इट विल बी फोर स्क्वायर फोर मीन्स फोर फोर दिक्सटीन दैट मीन्स एक बड़ा स्क्वायर बनेगा इनसे जो पहला वाला है उससे और बड़ा बनेगा और उसके अंदर टोटल नंबर छोटे स्क्वायर कितने होंगे सिक्सटीन और आई कैन से इट इज़ फॉलोइंग अ पैटर्न बोल सकते हैं वेरी गुड एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं एक लेडी है उसका नाम है शकीला शकीला क्या करती है उसकी एक बेटी है और जब उसकी बेटी होती है तो वो क्या करती है अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है तो जब उसका जैसा पहला बर्थडे होता है तो वो एक गुल्लक के अंदर हंड्रेड रुपीज़ डालती है और हर साल जब उसका बर्थडे आता है वो जो अमाउंट है उसको फिफ्टी रुपीज़ से इंक्रीज़ कर देती है और ऐसे एवरी ईयर वो फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ इंक्रीज़ कर जाती है दैट मीन्स इफ़ आई आस्क यू टू राइट डाउन वो नंबर्स क्या होंगे तो ऐसे ही होंगे ना पहले हंड्रेड्रेड्रेड्रेड रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ नेक्स्ट बर्थडे पे कितने होंगे वन फिफ्टी रुपीज़ डाले होंगे गुल्क में उससे अगले बर्थडे में कितने देने लगे टू हंड्रेड मीन्स में फिफ्टी और इंक्रीज़ कर दिए फोर्थ बर्थडे में टू फिफ्टी हो गए इफ़ आई आस्क यू फिफ्थ बर्थडे में कितने होंगे इसमें और फिफ्टी इंक्रीज़ होंगे दैट मीन्स थ्री हंड्रेड दैट मीन्स शी इज़ ऑल्सो फॉलोइंग अ पैटर्न वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उन्होंने दिमाग में है कि मैं अपनी बेटी के लिए जो भी मैंने पहली बार पैसे डाले उसमें हर साल फिफ्टी रुपीज़ एड करती जाऊँगी सो दैट आफ्टर सम टाइम जब वो बड़ी होगी तो मेरे पर एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी होगी ये उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया यदि वो हंड्रेड हंड्रेड भी डाल सकती थी पर उन्होंने कहा क्योंकि वो भी तरक्की कर रही होगी तो मैं अमाउंट बढ़ा सकती हूँ देट इज़ वाइड शी फॉलो दैट तो शी फॉलोड अ पैटर्न एक और बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं एंड इसको हम पढ़ते नहीं हैं देखते हैं ये किसके बारे में कर रहे हैं बात कर रहे हैं हम अ पेयर ऑफ रैबिट्स मीन्स खरगोश के एक पेयर मीन्स मेल और फीमेल आपको आपकी सपोज आपकी मदर ने आपको एक गिफ्ट दे दिया या आपके फ्रेंड ने आपको पेयर ऑफ रैबिट्स दे दिया मीन्स खरगोश तो आपके पास मैं बोलूँ आज की डेट में कितने खरगोश हैं तो आप बोलोगे मेरे पास एक पेयर है मीन्स दो खरगोश हैं तो अब हम पेयर में ही बात करेंगे तो आपके पास एक मेल एक फीमेल एक पेयर है क्योंकि ये छोटे हैं बच्चे हैं तो खरगोश की क्या होता है कि इनकी एज जो होती है ना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो ये बड़ी तेज़ी से बड़े होते हैं तो आप देखोगे एक महीने में ये अडल्ट हो जाते हैं अडल्ट मीन्स नाउ दे कैन प्रोड्यूस किड्स बच्चे पैदा कर सकते हैं तो एक, एक महीने बाद क्या हुआ ये अडल्ट हो गए और जब ये अडल्ट हुए नाउ नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे दे विल प्रोड्यूस तो उन्होंने एक महीने बाद अपने बच्चे प्रोड्यूस किए तो अब हम जो ब्लू कलर से जो है वो हम बच्चे दिखा रहे हैं और जब वो कलर ब्राउन हो गया दैट मीन्स नाउ दे आर अडल्ट अडल्ट हो गया मीन्स दे कैन प्रोड्यूस तो इससे नेक्स्ट मंथ में मीन्स थर्ड मंथ में आप देखोगे आपके पास जो पहला पेयर था वो अडल्ट वो तो रह गई और इनके एक खुद के बच्चे हो गए तो ये मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने पेयर ऑफ रैबिट्स हो गए तो यू विल से आई हैव टू पेयर्स मीन्स एक जो ओरिजिनल थे वो और इनके बच्चे अब क्या होगा देखो नेक्स्ट मंथ में यदि आप देखेंगे तो जो ओरिजिनल हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे और ये अडल्ट हैं तो इनके भी एक पेयर बच्चा पैदा होगा वो भी हो गया और ये जो बच्चे थे वो क्या होंगे इस इस महीने में बड़े हो जाएंगे इनके बच्चे नहीं होंगे क्योंकि इनको भी टाइम लगता है ना एक महीने बड़ा होने में तो अब ये भी बड़े हो गए तो नाउ थर्ड मंथ के अंदर यू विल हैव हाउ मेनी पेयर्स वन टू थ्री थ्री पेयर्स ऑफ रैबिट जिसमें दो पेयर्स जो है अडल्ट हैं और एक पेयर क्या है किड्स हैं बच्चे हैं क्योंकि इन बच्चों को भी एक महीना लगेगा लगे बड़े होने में अब ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे बट आपके पास दो पेयर ऐसे हैं इन मैं नेक्स्ट मंथ में देखूंगा तो दे कैन प्रोड्यूस किड्स तो इन ये तो अपने खुद को खुद रहे इन्होंने अपने बच्चे पैदा किए ये तो खुद के खुद रहे अब ये दोनों बच्चे पैदा करेंगे राइट और ये वाला पेयर क्या होगा बड़ा हो गया अब ये बड़े तो हमारे पास देखो बड़े कितने पेड़ हो गए इस फोर्थ मंथ में वन टू थ्री तो तीन तो बड़े हो गए प्लस ये पहले वाले का क्या होगा ये तो बड़ा हो ही चुका था इसके बच्चे पैदा होंगे और इसके भी होंगे तो इनके भी बच्चे पैदा हो गए और इनके बच्चे हो गए तो आपके इस मंथ में कितने पेयर हो गए वन टू थ्री फोर फाइव जिसमें से थ्री जो है आपके अडल्ट हैं और टू जो है माइनर है बच्चे हैं तो टोटल कितने हो गए फाइव उससे अगले महीने में ध्यान से आप बना सकते हो इसी तरीके से तो यू कैन मेक तो आप देखोगे ऐसे ही होंगे दैट मीन्स इस पेयर का एक बच्चा हुआ ये छोटे से बड़े हो गए इनके फिर एक बच्चा हुआ क्योंकि ये पहले बड़े हो चुके हैं और खुद तो थे ही दैट मीन्स अब ये ऐसे हो गए इसी तरीके से यहाँ के वो इनके बच्चे हो गए और ये खुद थे और ये क्या है बड़े हो गए दैट मीन्स इस मंथ में यू विल काउंट इट इज़ एट तो खरगोश जो होते हैं आप देखोगे आपको जब आपकी मदर ने या आपके फ्रेंड ने एक पेयर दिया था तो आफ्टर वन मंथ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ तो आपके इतनी तेजी से फिफ्थ मंथ के बाद आपके यहाँ एट पेयर हो गए तो खरगोशों की जो पॉपुलेशन है बड़ी तेजी से बढ़ती है एंड व्हाट यू आर फाइंडिंग यू आर फाइंडिंग दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न एंड दैट इज व्हाट इन डे टू लाइफ वी सेड वो गुल्लक का बनाना हो या कोई शेप बनानी हो या जानवरों के बच्चे पैदा हो रहे हैं स्पेशली हम किसी बात कर रहे हैं रेबट्स दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न तो क्या ये बताता है हमको तो यही सेम चीज़ है ना जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे पास में उन्होंने भी देखा क्या मैथमेटिकली इन सब चीज़ों को हम किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दे फाउंड कि येस दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड दिस पैटर्न मतलब क्या चीज़ ये पैटर्न्स जो है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली एंड दैट इज़ वट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है जो भी नंबर्स हैं उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है या वो सीरीज ऑफ नंबर है उनकी प्रोग्रेस क्या हुई है और हमने क्या बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत बार हम शॉर्ट फॉर्म में ए पी भी लिखते हैं तो कभी मैं आपको ए पी वर्ड यूज़ करूंगा कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंफ्यूज मत होना लेट्स कंसीडर फ्यू लिस्ट ऑफ नंबर्स लिस्ट ऑफ नंबर्स मीन्स जहां नंबर्स को हम एक सीरीज में लिखते हैं एंड हर नंबर के बीच में एक कॉमा लगाते हैं और ये क्या बता रहा है कि वन है उसके बाद टू आ रहा है थ्री आ रहा है फोर आ रहा है और कॉमा लगाना है डॉट 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 मीस क्या है इसके बाद नंबर्स चलते रहेंगे सो so, या इस तरीके जब अरेंज करते हैं नंबर्स को उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स वो ऐसा हो सिंगल डिजिट हो मल्टीपल डिजिट हो नेगेटिव में हो सिमिलर टाइप का ऑफ नंबर हो थ्री 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 दिस वट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर सो वी वी आर वट वी आर मेकिंग जैसे आप गेम खेलते हो क्रिकेट में लिस्ट बनाते हो प्लेयर्स की लिस्ट एग्जैक्टली सेम वे में हम प्लेयर की लिस्ट क्या बनाते हैं ऊपर से ऐसे वन टू थ्री फोर वर्टी लिखते हैं यहाँ हम क्या कर रहे हैं हमने कहा यह एक हमारी लिस्ट है तो हम यहाँ लाइन में सीरीज बना रहे हैं एंड दैट सीरीज कॉल लिस्ट ऑफ नंबर्स और जब ये लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो भी नंबर यूज कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं वी कॉल दैम टर्म जैसे वन इज अ टर्म इस लिस्ट के अंदर वन इज अ टर्म टू इज अ टर्म थ्री इज अ टर्म फोर्थ इज अ टर्म ये हम ऐसे बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है ये फोर्थ टर्म है या मैं बोलूँ नेक्स्ट टर्म बताओ तो आप किसी में भी जैसे हर एक में हमने देखो कितने वन टू थ्री फोर हमने फोर फोर नंबर हर एक में दिए हुए हैं राइट right? तो मैं आपसे यदि मैं फिफ्थ नंबर पर आता लगाने को बोलूँ या मैं वर्ड यूज़ करूँ फिफ्थ ना बोल के आई विल से प्लीज लेट मी नो द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज ईच सीरीज़ क्या आप बता सकते हैं और यदि आप ध्यान से देखें मे बी यू आर एबल टू टेल तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन द फर्स्ट क्या है वन टू थ्री फोर तो अगला क्या आएगा नंबर फाइव यू विल से नेचुरली क्योंकि दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न कि वन के बाद टू आता है ये तो नंबर हो गया नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री या रियल नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव तो अगले आप ऑटोमेटिकली आपने बोले द नेक्स्ट टर्म और द फिफ्थ टर्म इज दिस एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ देखें यदि ये हंड्रेड है फिर ये सेवनटी मीन कुछ कम हुआ फिर सेवनटी में फिर कुछ कम हुआ फिर यहाँ ये कुछ कम हुआ दैट मीन्स ये टेन में कुछ और कम होना चाहिए कितना कम होना चाहिए ध्यान से देखो तो यू विल से द नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस ट्वेंटी तो सेम वे में आप बाकी नंबर भी पता लगा पाओगे इसमें देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो ओ ये क्या है इंतीजर्स हैं माइनस थ्री माइनस टू वन जीरो जीरो के बाद क्या आएगा वन तो द नेक्स्ट नंबर इज़ वन यहाँ पे क्या है थ्री 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 तो नेक्स्ट टर्म या डिजिट बोलूँ क्या आएगी थ्री इसमें क्या है ध्यान से देखो माइनस वन पॉइंट ज़ीरो माइनस वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव और बढ़ गया ये माइनस साइड में फिर पॉइंट फाइव और बढ़ गया टू पॉइंट जीरो हो गया टू पॉइंट फाइव हो गया माइनस में ही चल रहा है तो मीन्स अगला क्या हो गया माइनस थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव बढ़ जाएगा तो आई कैन राइट माइनस थ्री पॉइंट जीरो तो इस तरीके से हमने ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स या ये जो सीरीज दी हुई थी उसकी नेक्स्ट टर्म पता लगा ली राइट और हर टर्म क्या, क्या है क्योंकि फोर टर्म्स दी हुई थी हमने फिफ्थ टर्म हर एक की पता लगा ली यदि आपसे मैं ये पूछूँ ये आपने फिफ्थ टर्म पता कैसे लगाई कुछ में तो आपने बस देख के ही पता लगा लिया कि वन टू थ्री फोर एक सीरीज फॉलो कर रहा है नंबर नेचुरल नंबर्स है या रियल नंबर्स है तो अगला आएगा राइट right? या मैं बोलूँ आपने कुछ लॉजिक फॉलो किया या आपने कुछ पैटर्न को देखा और उस पैटर्न को बस कहा कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है अगला नंबर यही आने वाला है या मैं बोलूँ आपने कुछ लॉजिक में या कुछ hmm, दिमाग लगाया कुछ फॉर्मूला यूज़ किया तो मैं बोलूँ पहले में आपने क्या यूज़ किया तो आई यू विल से कि मैंने जो है फ़ाइव इसलिए बोला क्योंकि हर टर्म के में देखेंगे आप ध्यान से उन सब के बीच में देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ वन तो फोर थ्री और फोर में देखें डिफरेंस ऑफ वन मीन्स हर नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आपने एक ट्रेंड देखा और कौन सा है इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड का डिफरेंस कितना आ रहा है वन तो ऑटोमेटिकली यू है फाइव यदि नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखें जहाँ पे हमने बोला नेक्स्ट अब माइनस ट्वेंटी है तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि एक तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है डिक्रीजिंग मीन्स हंड्रेड में से कुछ माइनस किया तभी सेवेंटी आया तो डिफरेंस कितना था माइनस थर्टी या हमने 30 माइनस किया 70 में से 30 किया 40, 40 में से 30 किया 10 एंड 10 में से माइनस थर्टी किया तो माइनस ट्वेंटी एंड देट इज़ वाई वी रोट माइनस ट्वेंटी इज़ द नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपने यू कैन से कि बस मैंने जो है ना इसमें ट्रेंड ही देखा कि माइनस थ्री टू वन जीरो वन मैंने ऐसे डिफरेंस विफरेंस नहीं देखा बट स्टिल आपने बेशक नहीं देखा बट इन सब नंबर के बीच में जो हर टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वन और ला फोर्थ वन में आप देखोगे यू विल से कि ये सभी सेम थे तो अगला वाले भी सेम ही आना चाहिए या बोलेंगे हम वी कैन से इन अदर टर्म्स की डिफरेंस हर टर्म के बीच में कितना है जीरो था इसलिए मैंने बोला अगला थ्री आएगा वेरज फिफ्थ वन में तो हमने एक्जैक्टली कैलकुलेट ही किया था कि हर एक में हमने देखा था पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव का डिफरेंस है तो हम वी कैन राइट कि देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ पॉइंट फाइव तो हर एक के बीच में आपने इससे हमको क्या मालूम चला कि हम जो लॉजिक फॉलो कर रहे थे तो वी और वी वर जस्ट चेकिंग डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स कितना डिफरेंस है यह मैं बोलूँ वो डिफरेंस है आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने ये देखा कि जो प्रीवियस टर्म है उसमें हमने कुछ ऐड किया तो हमने देखो पहली वाली सीरीज़ में क्या किया प्रीवियस नंबर में क्या ऐड किया प्लस वन तो प्लस वन किया फोर आ गया ये नेक्स्ट सीरीज में मैं बोलूँ कितना ऐड किया तो यू विल से आई एडेड माइनस थर्टी मैंने हंड्रेड में माइनस थर्टी एड किया तो सेवेंटी आ गया सो इफ़ आई राइट डिफरेंस की जगह मैं एडिशन फॉर्म में रखूँगा तो एवरीवेयर यू कैन राइट कि मैंने थर्ड वाले में प्लस वन ऐड किया फोर्थ वाले में आई एडिट जीरो एंड फिफ्थ वाले में आई एडिट माइनस पॉइंट फाइव तो एवरीवेयर यू एडिड समथिंग टू द प्रीवियस टर्म तो हर प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करते गए बस पहली टर्म से हमने स्टार्ट किया और अगली टर्म में कुछ कुछ अमाउंट ऐड कर दे वो ऐड में आप ध्यान से देखेंगे वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है जीरो है कुछ है बट वी आर एडिंग तो इस टाइप के जब हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि लिस्ट ऑफ नंबर होता है जैसे हमने ऊपर दिखे और इसमें आपने क्या कहा इन ईच इन विच ईच टर्म इज ऑप्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रिसडिंग नंबर हमने यही देखा कि हमने कुछ चीज़ ऐड की वो ऐड प्लस में माइनस में जीरो है वो एक भूल जाओ वो एक अलग चीज़ होगी बट हमने हर टर्म में एक की एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म हमने बस पहली टर्म को छोड़ के पहली टर्म में ही के बाद हमने ऐड तो करना स्टार्ट कर दिया पर पहली टर्म से पहले हम नीचे नहीं जा रहे हैं राइट तो वी से वी स्टार्टेड विद फर्स्ट और उसमें हम सर्टेन अमाउंट ऐड करते चले गए और जो हम ये ऐड कर रहे थे तो दूसरे वर्ड में बोलूँ कि दो टर्म के बीच में देर वॉज अ कॉमन डिफरेंस इन हर एक के बीच में जैसे यहाँ डिफरेंस कितना वन का था इसमें थर्टी का था उसमें हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं कि वेदर वी आर गोइंग इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड और वेयर आर वी आर गोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड में जब हम डिफरेंस बोल रहे हैं कि मीन्स दो टर्म के बीच में कोई भी दो टर्म ले लो किसी भी सीरीज़ की या किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स की उनके बीच में फिक्स एक डिफरेंस है एंड दिस कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफरेंस जो है आप यहाँ इन नंबर को देख के बोल सकते हैं कि वो डिफरेंस कभी वो पॉजिटिव है कभी वो डिफरेंस नेगेटिव है जब वो नेगेटिव है तो हम जब घटाते हुए चले जाएंगे तो डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा नंबर बड़े से स्टार्ट करेंगे छोटे वोटे होते चले जाएंगे वेयर एज पॉजिटिव है तो वो नंबर इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव या इस वाले में देखो वी आर एडिंग प्लस वन तो माइनस थ्री से स्टार्ट किया माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बढ़ता ही जा रहा है राइट right? तो डिफरेंस कुड बी पॉजिटिव डिफरेंस कुड बी नेगेटिव और डिफरेंस कुड बी ज़ीरो तो जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं इट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो और इस टाइप के नंबर्स जहाँ पे एक एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है मीन एक लॉजिक फॉलो हो रहा होता है जिससे आपसे नेक्स्ट नंबर पता लगा सकते हैं उस टाइप की लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ए ये क्लियर होगा और यदि आपको ये क्लियर हुआ तो हम इसकी एक जेनरिक फॉर्म लिख सकते हैं तो वी कैन राइट ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन अ जेनरिक फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए वन एक नंबर है दैट टर्म है सेकेंड टर्म है ए टू थर्ड टर्म है ए थ्री फोर्थ टर्म है ए फोर जैसे मैं ऊपर वाले में किसी भी सीरीज को ले लूँ जब फर्स्ट को लूँ तो ए वन क्या हो गया फर्स्ट वाले के लिए वन ए टू क्या हो गया मतलब ए की जगह ए तो हो गया वो जो नंबर है और टू मीन्स वो नंबर किस टर्म किस पोजीशन में है तो ए टू मीन्स क्या हुआ टू ए थ्री इज द थर्ड नंबर इस लिस्ट में तो ऊपर वाली लिस्ट में देखूंगा थर्ड नंबर क्या हुआ थ्री यदि मैं नीचे वाले में किसी में बात करूँ जैसे ए वन इस वाली थर्ड वाली की बात करूँ तो ए वन क्या है माइनस थ्री ए टू क्या है माइनस टू और यदि मैं ए फोर बोलूँ तो इट इज़ ज़ीरो क्लियर हुआ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग कंटिन्यूसली अप टू द एन एड टर्म लास्ट टर्म हमने बोली वी आर सेइंग इट इज नॉट हैफाइनट राइट तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम लिस्ट ऑफ नंबर बनाते हैं एंड विच इज़ नॉट इन्फाइनेट ये नंबर में ऊपर वाली लिस्ट जो है इनफाइनेट तक जा रही है दैट इज़ वाई इट इज़ लिस्ट ऑफ नंबर दिस लिस्ट ऑफ नंबर हैव अ लॉजिक दो दे आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ठीक है आप उसको इन्फाइनेट तक मान लो पर हम नॉर्मली जो बोलते हैं एनेट टर्म पता लगानी है यदि इस सीरीज़ की मैं बोलूँ थाउजेंड टर्म बताओ तो यू कैन फाइंड आउट तो इसी तरीके से एनएट टर्म जब बोलते हैं तो उसको ए एन से लिखते हैं उससे पहली वाली टर्म क्या होगी ए एन से पहली वाली मीन्स एन माइनस वन उससे पहली और क्या होगी ए एन माइनस टू ये टर्म्स हो गए ओके okay. और अब हर एक में देखोगे ए वन ए टू के बीच में एक कॉमन चीज़ होगी और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ए वन वन मतलब क्या होता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म दिस इज थर्ड टर्म एंड इसी तरीके से एन एन टर्म और ये एन टर्म और हर टर्म के बीच में जो हमने ऊपर देखा देर इज़ अ कॉमन डिफरेंस दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस बाय डी तो ए वन से ए टू के बीच में डिफरेंस डी है तो ए टू और ए थ्री के बीच में भी डिफरेंस डी होगा और यहाँ से किसी भी टर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म मीन्स ए फाइव और ए फोर के बीच में देखूंगा डिफरेंस डी ही होगा वो कभी वेरी नहीं करेगा यदि वो वेरी कर रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा इसका मतलब मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ कि d यदि मुझे पता लगाना है और मुझे दो टर्म मालूम है तो a2 टू माइनस ए वन मीन्स द हायर टर्म से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना तो वो d होगा आई कैन से a3 थ्री माइनस ए टू मीन्स ए थ्री माइनस ए टू वो भी डिफरेंस d होगा या वी कैन से एन टर्म माइनस उससे पहली टर्म ए एन माइनस वन वो भी क्या होगा डी दैट इज वॉट वी आर सेंग दैट मीन्स वी आर सेंग एनी टू कंजिव कन्ज्यूकेटिव मीन्स लगातार जो टर्म्स आ रही हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उसके बीच में हमेशा डिफरेंस क्या होता है डी होता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल कॉमन डिफरेंस वाई कॉमन बिकॉज इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द टर्म्स कोई भी दो टर्म ले लो जो एक के बाद एक आ रही हैं उनके बीच में डिफरेंस डी होगा और कॉमन डिफरेंस एक चीज़ याद दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है पॉजिटिव होगा तो सीरीज जो बन रही होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जैसे ये ऊपर दिख रहा है और जीरो होगा दैट मीन्स जैसे ये सीरीज है थ्री 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 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगे टर्म्स होंगे बहुत सारे नंबर है ए ही जैसे हैं दिस इज़ ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो है कोई डिफरेंस ही नहीं है ठीक है जब कोई डिफरेंस नहीं जीरो इज ऑल्सो अ डिफरेंस एक तरह से बोला समझ लो ठीक है यहाँ क्लियर हो गया तो आपको याद हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग जहाँ मैं ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सो एन अपू एनए टर्म ये आपको अभी ध्यान रखना है ठीक यदि आप ये ध्यान रखोगे सो लेट्स मूव फर्दर तो हमको ये इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया सो so दैट ये आपके दिमाग में फोटो बना रहा है और जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो धीरे धीरे इस फोटो को याद रखने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज पहली बार आप सीख रहे हो इसलिए हम इसको ऐसे रख रहे हैं लेट्स टेक एंड राइट एक ये जो एर्थमेटिक पोजिशन में, में लिखा इसको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको और भी कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जेनेटिक फॉर्म में लेट्स ट्राई टू डू दैट तो ए वन क्या बोला था हमारी फर्स्ट टर्म ठीक है ए टू क्या है हमारी सेकेंड टर्म तो ए टू को मैं ऐसे लिख सकता है या बहुत बड़ा ना टम को टी वन से भी लिख देते हैं आप नॉर्मली बड़ी क्लासेज में जाओगे ना आपके इस चैप्टर में तो नॉर्मली आपकी टेंथ की बुक में तो वो क्या टी वन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे दे आर यूजिंग ए वन फॉर द फर्स्ट टर्म ठीक है बड़ी क्लास में देखो टर्म को टी वन से बोल देते हैं तो दोनों में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ टर्म टी आर एम वन यूज़ कर रहे हैं तो टी वन मीज फर्स्ट टर्म

यहाँ देखो ऊपर डायग्राम में देखो ए थ्री में ए टू ए टू में डी ऐड कर दूंगा ए थ्री आ जाओगे ऐसे ही ए थ्री में डी ऐड कर दूंगा तो ए फोर आ जाओगे तो दिस वे वी कैन कंटिन्यू और ए थ्री बोलूँ या मैं इसको टी थ्री बोलूँ ए की मतलब और ऐसे मैं कंटिन्यूस चलता जाऊँ तो ए फोर क्या होगा पहली उससे पहली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी और अल्टीमेटली यदि आप ऐसे बढ़ते बढ़ते गए कहाँ तक एह टर्म तक तो यू विल राइट ए एन इज इक्वल टू उससे पहली वाली टर्म्स ए एन माइनस वन देखो ये रही ए एन माइनस वन तो ए एन माइनस वन में प्लस डी एड कर तो यही दिखा रहा है दो टर्म के बीच में डिफरेंस थी तो वी कैन राइट ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस डी या हम इसको ए को इससे लेफ्ट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन यही तो है ए एन माइनस ए एन माइनस वन मीस ये टर्म उससे पहली टर्म के बीच का डिफरेंस थी वही चीज़ को लिखने का तरीका यहाँ पर अलग हो गया यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना और हमने फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि टर्म में टी वन बोलूँ या ए वन बोलूँ इज द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड द एन टर्म क्लियर ओके अब ये देखो यदि ये, ये ए वन है राइट right? ये हो गई ए टू तो मैं यदि इसको उठा के ए टू की जगह जो ए टू यहाँ ये लिखा है और देखो नीचे वाले में क्या लिखा है ए टू यदि मैं क्या करूँ कि जो ए टू की जगह ये ऊपर वाला लिख दूँ यहाँ पर तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए तो टू की जगह ए वन प्लस डी लिख दूँ तो ये क्या होगा ए वन प्लस टू डी इसके ऊपर डी प्लस ए डी और अब ये जो आ गया इसको उठा के ये क्या ए थ्री के कुल इस ए थ्री को उठा के मैं यहाँ लिख दूँ तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा ए वन प्लस टू डी तो ये था प्लस वन डी तो इट इज़ इक्वल टू ए वन प्लस थ्री डी ध्यान से देखो एक चीज़ तो हम क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं हमने हर चीज़ को ए वन फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया और उसमें डी डी एड करते जा रहे हैं यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ऊपर ध्यान से देखो ए वन में डी एड किया तो ए टू ए वन में डी प्लस डी एड किया तो ए थ्री ए वन में डी डी और डी करूँगा तो ए फोर तो मीन्स यही तो कर रहा हूँ उसको हमने यहाँ लिखने का तरीका है या आप इसमें ध्यान जा, से देखोगे देखो, देखो यहाँ जो लिखा है जब फोर्थ टर्म में हमने क्या किया थर्ड टर्म प्लस डी और यहाँ हमने क्या लिखा ए वन ए वन प्लस थ्री डी मीन्स थ्री डी क्योंकि ए वन से जब हम ए फोर में गए तो हम कितने स्टेप लिए वन टू थ्री तो हमने तीन कॉमन डिफ, डिफरेंस को मतलब ओवरकम किया यहाँ तभी हम पहुँचे फोर डी पे तो जो भी ए फोर टर्म है यदि मैं ए वन के टर्म में लिखूँगा तो ए वन प्लस थ्री डी थ्री टाइम्स ऑफ द डिफरेंस एग्जैक्टली exactly सी वन में यदि मैं ए एन हूँ और मैं ए वन के फॉर्म में लिखूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसी लॉजिक के हिसाब से वी कैन राइट ए वन प्लस एन माइनस वन डी जिससे पहले की ए एन से पहले की कितनी कम होंगी फोर से पहले क्या थ्री थी तो एन से पहले क्या होगा एन माइनस भी डी तो ये ए, ए वन प्लस डी 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 कहाँ तक ए एन माइनस वन इतने डी एड कर दिए तो एन एड टर्म आ जाएगी एंड दैट इज़ बट वी हैव कट चलो इसको थोड़ा सा और जो ऊपर हमने लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको और सिंपलीफाई करते हैं ए वन ए टू लिखने के चक्कर में नहीं पड़ते थोड़ा सिंपल तरीके लिखते हैं सपोज़ मेरी फर्स्ट टर्म जो है ए वन जो है वो ए है खाली ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो नेक्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ आई कैन राइट ए प्लस डी यदि फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस डी है तो आई कैन राइट नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी अब मैं ए टू नहीं लिख रहा हूँ मैं सिंपल ही लिखता हूँ ए प्लस डी तो थर्ड टर्म क्या लिख सकता हूँ ए प्लस टू डी और यही चीज़ तो देखो यहाँ पर निकाली थी हमने यहाँ पर ए वन हटा दिया मैंने ए से कर दिया तो ये तो लिख रहा हूँ ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी तो ए प्लस टू डी आ गया नेक्स्ट क्या आएगा ए प्लस थ्री डी और ऐसे एन तक चलते जाऊँगा क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी एंड दैट इज़ वट ए वन जो क्या था फर्स्ट टर्म तो हम वन वन के चक्कर में ना पढ़ के हम ऐसे लिख देते हैं एंड नाउ दिस पर्टिकुलर वन जो हमने आपको पहले बोला था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है दिस इज करेक्ट बट दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ फर्स्ट टर्म होती है हमेशा ए डी इज द कॉमन डिफरेंस और आप ए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाइए एंड दिस वे यू विल गेट अ सी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें ये जो लास्ट टर्म है इसको आप देखोगे इसको या तो टी एन एथ टर्म बोलते हैं या एन एथ टर्म किसकी एन एन एथ टर्म और वो वैल्यू क्या आ रही है ए प्लस एन माइनस वन डी ये क्लियर हो गया तो ये आपको फॉर्मूला रखना टी एन से रखो अब टी एन भूल जाओ आपकी बुक में अभी ए एन ई यूज़ हो रहा है तो ए एन यूज करो दो द ए एन एट टर्म फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज स्टार्टिंग विद ए एंड द डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो गया एन एट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी क्योंकि डी कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है राइट right? ओके okay. अब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं एक होता है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो मैं आपको पहले बता रहा था मीन्स हमने ए से स्टार्ट किया और एन एट टम तक गए दैट मीन्स हमारा एक फाइनाइट नंबर है पर जिस केस में हमने खाली डॉट 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 लगा दिए और एन आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं देट मीन्स अर्थमेटिक प्रोगेशन इनफाइनइट में भी हो सकते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं एक जहाँ सीरीज ऑफ लिस्ट जिसका एंड हो जाए एक वो सीरीज ऑफ लिस्ट या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका एंड ना हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों के लिए वैलिड है क्लियर वेरी गुड अब थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे पर उस डिटेल में जाने से पहले अब आपको ये वाला जो हमने बोला जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ क्यों आपको दिमाग में रखना है ये आपको इसलिए दिमाग में रखना है कि इफ़ आई से कि मैंने आपको ए और डी की वैल्यू दे दी मीन्स ए मीन्स फर्स्ट टर्म और डी मीन्स का कॉमन डिफरेंस तो इफ आई से ए इज़ इक्वल टू सपोज माइनस सेवन और डी इज़ माइनस टू कैन यू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म आप पता लगा सकते हैं यू विल से यस ए इज यदि माइनस सेवन है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी ए प्लस डी तो यू विल से ए माइनस सेवन प्लस माइनस टू तो अपने आप मालूम चल गया इसी तरीके से आप अगले में माइनस टू माइनस टू एड करते जाओ तो माइनस सेवन उसमें माइनस टू माइनस नाइन फिर माइनस -13 माइनस थर्टीन तो यू हैव एन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओके लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल लेट सी वेदर यू कैन फाइंड आउट ए इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो डी इज वल टू जीरो पॉइंट वन तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लगा लोगे पता लगा सकते हो कैसे ये चीज़ को यूज़ करके ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी ऐसे करते जाओ एंड क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं बोला हमने तो डॉट डॉट लॉक लगा दोगे आप तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप ऑर्थमेटिक पोजिशन क्या लिखोगे ए इज फर्स्ट वन इज़ वन पॉइंट जीरो नेक्स्ट में इतना पॉइंट जीरो वन पॉइंट पॉइंट वन ऐड करना है तो ये क्या वन से वन पॉइंट वन पॉइंट वन 1.3 कर दो वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर सो वन ओके यदि a इज इक्वल टू जीरो और d इक्वल टू वन पॉइंट फाइव है दैट मींस द फर्स्ट टर्म इज जीरो एंड द नेक्स्ट टर्म में वन पॉइंट फाइव ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा विल बी लाइक दिस जीरो वन पॉइंट फाइव को वन ऑइन वन पॉइंट टू लिख सकता हूँ हाफ वन अपॉइंट हाफ डेढ़ मतलब यही तो हुआ देन वन पॉइंट फाइव और ऐड करो इट बिकम थ्री वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव इज थ्री फिर वन पॉइंट फाइव ऐड कर दो फोर एंड हाफ फिर सिक्स फिर सेवन एंड हाफ ऐसे बढ़ता जाएगा ओके लेट्स टेक फ्यू मोर example. ए इज इक्वल टू 2 means फर्स्ट टर्म इज 2 डिफरेंस इज zero. क्या मतलब हुआ पहली टर्म to 2 है और नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्लस 0 means 2 उससे अगली क्या होगी 2 2 2 2 क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज 2 तो दिस इज द arithmetic progression. क्लियर है सो so what अबाउट द अदर वे राउंड अदर वे राउंड मतलब यदि मैं आपको अर्थमैटिक प्रोग्रेशन दे दूँ यदि ये, ये राइट साइड दे दूँ कैन यू फाइंड आउट ए एंड डी पता लगा सकते हो से यस आई कैन फाइंड आउट पता लग सक नहीं पता सकते हो बहुत ईजीली अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर आपको ये दिया सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड ए एंड डी पता लगा सकते हो ए मीन्स क्या होता है फर्स्ट टर्म तो यहाँ कौन सा फर्स्ट टर्म है सिक्स डी कैसे होगा डिफरेंट बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो आप कैसे लिखोगे यू विल सेकेंड टर्म इज ए टू माइनस ए वन दैट इज द डिफरेंस डी तो ए टू कितना है नाइन माइनस सिक्स तो यू विल राइट नाइन माइनस सिक्स इजिकल टू थ्री और ऐसा बाकियों में भी करके देख लोगे क्योंकि यदि बाकियों में भी डिफरेंस सेम नहीं रहा तब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा पर यदि डिफरेंस सेम है देन यू विल से कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो निकाल लो एक और ए थ्री माइनस ए टू दिस माइनस दिस ट्वेल्व माइनस नाइन एस थ्री और क्या दू एक नंबर और दिया हुआ है दैट मीस फिफ्टीन माइनस ट्वेल्थ दिस माइनस टू और उसमें से लिखता हूँ तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्योंकि फोर्थ है ना देखो वन टू थ्री फोर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म दैट इज फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व इज थ्री आप क्या कर रहे हो बस इन कंजुटिव पेयर में से माइनस करते जा रहे हो तो अब वट यू आर फाइंडिंग द डिफरेंस इज थ्री 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 एंड इट इज सेम एंड द डिफरेंस इज कॉल कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज कॉल डी तो आपको ए फर्स्ट टर्म मालूम चल गया सिक्स एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इज थ्री चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जब ये नंबर ये हुआ तो सिक्स थ्री जीरो माइनस थ्री इज इट एन ए पी तो आप कहोगे हो हाँ मैं पहले तो ए और डी के पहले डी निकाल लेता तो, हूँ मालूम चल जाएगा डी क्या होगा थ्री माइनस सिक्स थ्री माइनस सिक्स ए टू माइनस ए वन थ्री माइनस सिक्स क्या डिफरेंस हुआ माइनस थ्री ए माइनस थ्री नेगेटिव में क्यों है क्योंकि वी आर गोइंग डाउन डिक्रीजिंग ट्रेंड में है इसलिए माइनस वैल्यू आई अगला भी निकाल के देख लो इट इज़ माइनस थ्री उससे अगले मैंने लिखा होगा माइनस थ्री माइनस थ्री में -3, -3, से किसको माइनस करा जीरो आंसर इज माइनस थ्री राइट सो वट वी फाउंड की द कॉमन डिफरेंस डी माइनस थ्री द फर्स्ट टर्म इज ए दैट इज सिक्स तो ये जो दोनों सीरीज हैं हमने दोनों तरीके से देख लिया कि यदि मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो आई कैन फाइंड आउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आई कैन फॉर्म अ लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या मैं उल्टा बोलूं यदि आपको एर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए क्या है और डी इज अ कॉमन डिफरेंस क्या है यह पता लगा सकते हो ये तो बहुत ईजी है वेरी गुड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स सी कि आपको समझ में आया भी कि नहीं तो के द एथमेटिक प्रोग्रेशन इज लाइक दिस दिस इज एग्जाम्पल वन फॉर द ए पी जहाँ पर यह आपको सीरीज दी हुई है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी पता लगा लो

सो कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म राइट इट डो एंड वी विल राइट डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हाफ ये है इसमें से थ्री बाई टू माइनस कर दो तो आंसर कितना निकल के आया माइनस वन अब माइनस हाफ में से ये हाफ माइनस कर दो तो यू राइट माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस क्यों क्योंकि ये दूसरा नंबर पॉजिटिव है माइनस तो आएगा ही तो कितना आंसर आ गया माइनस वन अब इसमें वो माइनस थ्री बाई टू है उसमें से हाफ माइनस कर दो तो माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इसमें से आंसर करोगे डिफरेंस इज माइनस वन सो वट वी आर फाइंडिंग डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड विच इज़ सेम सो दैट मीन्स जो हमको ये सीरीज दी हुई है लिस्ट ऑफ नंबर्स टेक्निकली इट इज़ करेक्ट इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म इज थ्री बाई टू एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज माइनस वन सो हैंस वी हैव प्रूवड इट अच्छे से आप समझ गए जी समझ गए तो एक और एग्जाम्पल लो now you have to tell me which of example 2 which of the following list of numbers form an ap arithmetic progression hi bana bhi rahe ki nahi bana rahe ye aapko batana hai if they form an ap write the next two terms yadi arithmetic progression mein hai to agle do terms aap bata do inke तो पहले क्या पता लगाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये जो list of numbers दिया हुआ है arithmetic progression है भी कि नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे तो पहले से स्टार्ट करते हैं वी हैव क्या दिया हुआ है हमको हमको ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो ए टू माइनस ए वन तो जितने टर्म्स दिए हैं उनके बीच का पहले डिफरेंस निकालो वाई वी वॉन्ट टू सी कि वे सर कन्जूक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है कि नहीं है तो हमने निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स टेन माइनस फोर इजिकल टू सिक्स फिर हमने निकाला थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फिर डिफरेंस सिक्स आया फिर जो क्या दिया ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन टू सिक्स दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सिक्स एंड इट इज़ यूनिफॉर्म एंड इसका मतलब क्या हुआ यदि कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म क्या so दी हुई है फोर दैट मीन्स इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोकेशन सो वी विल राइट कि यदि कोई भी टर्म यदि के टर्म के एट टर्म के के हो के प्लस वन एक टर्म होगी और उससे पहली वाली टर्म क्या होगी के एट टर्म है दोनों का डिफरेंस यदि लूंगा इज सेम एवरी टाइम मीन्स आगे इन्फाइनट तक जा रही है मैं एन टर्म लूं या के एट टर्म बोलूँ मीन्स कोई भी टर्म लूँ उससे पहली टर्म को उससे माइनस करूँ तो ये हमेशा सेम रहेगा और यदि ये, ये सेम रहेगा तो वी से द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी अर्थमेटिक विद अ कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सिक्स एंड द फर्स्ट टर्म इज़ फोर तो ये हमारा प्रूव हो गया और नेक्स्ट टू टर्म्स पता लगाने तो हम पता लगा सकते हैं ये 22 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी सिक्स ऐड कर दो 28 फिर अगला पता लगा 28 में सिक्स ऐड कर दो 34 तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया ओके okay, अब इसको देखते हैं सेकंड वन क्या सी दिया वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव तो हम क्या रहेंगे माइनस वन में से इसको माइनस कर दो माइनस थ्री में से इसको माइनस कर दो माइनस फाइव को माइनस थ्री में से माइनस कर दो तो लेट्स डू इट मींस हम क्या कर रहे हैं अगली टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस कर देना तो हर एक को हम करके देख लेते तो हैं जितनी तो यहाँ कितनी दी है टोटल फोर टर्म दिए दिया फोर माइनस था तो हमने एक सब में क्या देखा माइनस टू माइनस टू दैट मीन्स एक्जैक्टली सेम वे में जो यहाँ लिखा है वी कैन राइट दैट वे ओनली कि किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे इस एवरी टाइम इज सेम सो वी कैन से द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी विद अ कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस डी एंड द फर्स्ट टर्म इज़ वन अब नेक्स्ट टू टर्म पता लगानी है डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस टू दैट मीन्स माइनस फाइव में माइनस टू एड कर दो तो कितना नंबर हो जाएगा माइनस सेवन उससे अगला माइनस सेवन है माइनस टू एट कर दो डिफरेंस के अंदर नंबर क्या होता है माइनस नाइन तो अगले दो नंबर मालूम चल गए ओके नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड वन सो इट इज़ नॉट एन ए पी वाई अब देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया जैसे हर एक में कर रहे है ए टू माइनस वन देखो माइनस टू माइनस माइनस टू तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस दैट इज़ फोर तो इन दोनों में डिफरेंस कितना पहले में फोर का डिफरेंस है अब थर्ड माइनस सेकेंड करो तो थर्ड क्या है टू माइनस माइनस टू ये माइनस फोर हो गया तो यहाँ क्या है एक में डिफरेंस आ रहा है फोर का एक में माइनस फोर का तो ऐसे तो हो नहीं सकता दैट मीन्स वैन डी इज़ नॉट कॉमन मीन्स कॉमन डिफरेंस ही डिफरेंट हो गया जब कॉमन डिफरेंस ही डिफरेंट हो गया तो दिस इज़ नॉट दैन अर्थॉमिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और एक्जैक्टली सेम वे में जो लास्ट दिया हुआ है वन 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 टू 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 थ्री थ्री ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्यों नहीं है यदि आप कंजूक्यूट टर्म के बीच में डिफरेंस देखो पहले वाले में देखो वन वन माइनस वन वी कैन राइट वन माइनस वन इज उससे अगले में वन माइनस वन इज़ जीरो पर उससे अगले में देखूंगा टू माइनस वन इज वन कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट तो जो हमको ये दिया हुआ है वेरी गुड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एन टर्म ऑफ एन ए पी अब एन एथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी जेनरिक फॉर्म हमने कहा था ये होती है और जिसकी एनएट टर्म क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन डी यही हमने पढ़ा बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है मेरे को क्या फ़ायदा है ये तो समझ में आ गया चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है नंबर्स की एक सीरीज़ होती है उनमें कॉमन डिफरेंस होता है और उसकी यदि एनेट टर्म पता लगानी है तो वो ये होती है पर डे टू डे लाइफ में मेरा इसका क्या फ़ायदा है मैं इसको कैसे को रिलेट कर सकता हूँ और यदि को रिलेशन हमको समझ में आ गया तो हमारे लिए इसकी इम्पॉर्टेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इम्पोर्टेंस आपको मालूम चल जाएगी और यदि एक बार हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस मालूम चल जाती है तो हम उसको वैल्यू ज़्यादा देते हैं जैसे होता है ना कभी आपको अपने किसी दोस्त की वैल्यू मालूम चल जाती है कि अरे यार, यार ये मेरा दोस्त कितना बढ़िया है उसकी इंपॉर्टेंस जिस दिन आपको उसकी इंपॉटेंस मालूम चल गई तो वो जिंदगी भर आपका दोस्त रहता है राइट तो कभी आप उसको छोड़ोगे नहीं एग्जैक्टली सेम वे में ये है कि आपको ये इंपॉर्टेंस मालूम चल जाए कि एन एज टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोगेशन या अर्थमेटिक प्रोगेशन आपकी डेटी लाइफ में कहाँ पे आते हैं हमने देखा था नेचुरली स्टार्टिंग चैप्टर ऐसे ही किया ना कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं नेचर में भी होते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में भी होते हैं तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल जो था उसी को अब दोबारा समझते हैं द एग्जाम्पल वॉज लाइक दिस हाँ कि रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड रीना ने एक जॉब में अप्लाई किया और वो सलेक्ट हो गई उनको जॉब ऑफर मिला एंड द ऑफर वॉइज लाइक दिस शी हैज़ बीन ऑफर द जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ एट थाउजेंड विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ फाइव हंड्रेड क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी आप जॉब में अप्लाई करते हैं ना तो आपको वो बोलते हैं कि हम आपको मंथली सैलरी सब एक फिक्स अमाउंट देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मंथली सैलरी हर मंथ आपको इतने हज़ार रुपये मिलेंगे जैसे रीना को जो ऑफर दिया जॉब ऑफ़र उसमें बोला एट थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ यू विल गेट दिस द सैलरी ओके और जब एक साल वो काम कर लेंगे अच्छे से काम करेंगी तो उसकी उनकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे एक साल बाद तो उसको बोला जाता है एनुअल इंक्रीमेंट मीन्स जब एक साल काम कर लेते हैं आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीज़ होता है उस चीज़ को बोला जाता है एनुअल इंक्रीमेंट दैट मीन्स एक साल काम करने के बाद नेक्स्ट ईयर में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 8000 थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड मीन्स एट हो जाएगी क्यों क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया 12 मंथ्स तक आप हमारे साथ रहे नाउ वी आर गिविंग एन आई इंक्रीमेंट हम आपको इसका एक बोनस दे रहे हैं सो दैट वे योर सैलरी नाउ विल बी नॉट 8000 इट विल बी 8500 अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि वट वुड बी हर मंथली सैलरी फॉर द फिफ्थ ईयर मीन्स जब उनको चार साल कंप्लीट हो चुके होंगे और वो फिफ्थ ईयर में आ आगे होंगी उस साल उनकी सैलरी कितनी होगी तो फर्स्ट ईयर में तो सैलरी मालूम है एट थाउजेंड है फिफ्थ ईयर में कितनी होगी और हमको ये मालूम है हर साल उनकी कितनी सैलरी राइज हो रही है फाइव हंड्रेड रुपीज़ है तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट यू विल से कि द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरी क्योंकि हम बार बार ये पढ़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी समथिंग लाइक दिस क्या एट थाउजेंड रुपीज़ दिस इज़ बट सैलरी ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी नेक्स्ट ईयर में ये डी इज द डिफरेंस फाइव हंड्रेड का है right? राइट तो मैं लिख सकता हूँ तो 8000 प्लस 500 8500 ये कब हो गई मेरी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में कितना होगी फिर वही पाँच सौ रुपये बढ़ेंगे उनके तो थर्ड ईयर में कितनी होगी दिस प्लस दिस 9000 थाउजेंड रुपीज दिस इज वॉट ऑफ माई थर्ड ईयर तो दिस वे यू विल कंटिन्यू एंड यू कैन राइट एवरी ईयर में उनकी सैलरी क्या होगी वेदर इट इज फिफ्थ ईयर और द दिक्सथ ईयर राइट अब क्वेश्चन क्या था उन्होंने बोला कि फिफ्थ ईयर में जब वो आएंगी उनकी सैलरी कितनी होगी तो यू कैन फाइंड आउट कि उनकी फ़िफ्थ ईयर में फर्स्ट ईयर में 8000 नेक्स्ट ईयर में 500 बढ़ गए तो 8500 9000 9500 एंड 10000 तो वी हैव इजीली फाइंड आउट कि फिफ्थ ईयर में उनकी सैलरी कितनी होगी टेन थाउजेंड रुपीज़ होगी बहुत ईजी कोई कन्फ्यूज़न नो no. क्या ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है कि कोई भी और अच्छा तरीका भी है अच्छा तरीका है क्या तरीका है ध्यान से देखना ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया क्यों बन गया कि स्टार्टिंग ए इज द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थ अर्थमेटिक प्रोगेशन ए इज द फर्स्ट टर्म एट थाउजेंड रुपीज वेर एज फाइव हंड्रेड का उनका एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है तो एनुअल इंक्रीमेंट बोलूँ यदि मैं उसको इस चीज़ को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता हूँ क्योंकि हर दो तो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस इज फाइव हंड्रेड दैट मीन्स दिस सीरीज ऑफ नंबर इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इफ दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो डी इज वट मेरा क्या है फाइव हंड्रेड रुपीज़ और ए इज़ माई फर्स्ट टर्म अब मुझे ए मालूम है डी मालूम है और मुझे क्या पता लगाना है सैलरी फॉर द फिफ्थ ईयर तो क्या मैं ये फार्मूला जिसमें क्या लिखा है एन एट टर्म एन एट टर्म मीज कौन सी पता लगानी मेरे को फिफ्थ टर्म एन की वैल्यू क्या हो गई फ़ाइव तो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एन इज़ फाइव तो ए प्लस एन माइनस वन डी ए क्या है मेरा एट थाउजेंड एन क्या है मेरा फिफ्थ ईयर d मेरा कॉमन डिफरेंस है इज फाइव तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द फिफ्थ ईयर सैलरी तो लेट्स फाइंड आउट तो आई विल राइट फिफ्थ ईयर सैलरी विल बी ए इसलिए हम जो एन एफ बोलते हैं ना इस, इस केस में कौन सी है पांचवें साल की सैलरी तो ए फाइव पता लगाना है ए फाइव इसका है ए दिस इज ए प्लस एन माइनस वन डी एन कितना है फाइव माइनस वन इंटू डी का है कॉमन डिसरेंट फाइव हंड्रेड इसको सॉल्व कर लो तो एट थाउजेंड का एट थाउजेंड रहा फाइव माइनस वन क्या हो गया फोर इन फाइव हंड्रेड तो फाइव फोर कितना हो गया ट्वेंटी मीन्स टू थाउजेंड एट थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड क्या हुआ सॉल्व करोगे टेन थाउजेंड तो फिफ्थ ईयर में मेरी सैलरी कितनी होगी मीन्स मेरी या रीना की सैलरी कितनी होगी टेन थाउजेंड एंड देट इज़ वट वी फाउंड आउट हमने ये जो सीरीज़ बनाई कैसे बनाई थी एक फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एड करते गए थे तो इसको करने में हमको बहुत टाइम लगा और यदि मैं आपको बोलूँ अभी तो हमने सिर्फ फिफ्थ पूछा है मैं बोलूँ उन्होंने पच्चीस साल सर्विस की ट्वेंटी फिफ्थ वाली बताओ टर्म में पच्चीसवें साल में उनकी सैलरी क्या होगी इफ़ देर इज नो चेंज इन द इंक्रीमेंट कि उनको हर साल 500 500 पाँच सौ मिलते हैं तो आपके लिए ऐसे लिस्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तब ये जो है एन टर्म फॉर्मूला आता है यदि आप ट्वेंटी फिफ्थ पूछते तो आप क्या करते ए ऐसी लिखते फाइव की जगह ट्वेंटी फाइव लिख देते माइनस वन दैट मीन्स ट्वेंटी फोर इंटू फाइव हंड्रेड जो आंसर आ जाता है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट कि जो जनरिक सिचुएशन या सिचुएशन आपकी डे टू डे लाइफ में दी हुई है उससे आप इजीली को कर सकते हैं कि आज से 25 साल बाद मेरी सैलरी क्या होगी या रीना की सैलरी क्या होगी क्लियर है वेरी गुड सो इफ देर आर एम टर्म्स यदि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक फाइनेट नंबर तक है तो इफ़ देर आर एम टर्म्स हैं उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एम एफ टर्म होगी एम वाली टर्म होगी तो ए एम बोल सकता हूँ यहाँ मैं ए एन बोल रहा हूँ ई एन बोलूँ या ई एम बोलूँ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता बस सिंपल ये बोलना है कि यदि इसके अंदर हम वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेने हैं जिसके अंदर फाइनेट नंबर ऑफ नंबर्स हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फाइनेट लिस्ट है ऐसा तो नहीं है कि जो सैलरी जैसे ये बोलूँ रीना रीना जो है सिक्सटी ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे दैट मीस यदि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाऊंगा तो फर्स्ट ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया मान लो बीस साल की उनकी नौकरी लगी दैट मीन्स फोर्टी ईयर्स तक वो काम कर सकती है उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है दैट मीन्स ये जो सीरीज़ बनेगी उसमें कितनी टर्म होगी फोटी ईयर्थ लास्ट टर्म क्या होगी फोर्टी ईर्थ में जो उनकी सैलरी होगी जो सिक्सटी ईयर्स उनकी एज होगी उस साल की जो सैलरी होगी तो हम क्या बोल रहे हैं वो अर्थमेटिक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा फाइनाइट जब फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसमें हम बोलते हैं कि जो उसकी ए एम टर्म हुई द लास्ट टर्म मीस ए समटाइम कॉल्ड द लास्ट टर्म इज एल टर्म बोलते हैं द लास्ट एल से लास्ट लिखते हैं ना तो लास्ट टर्म मीन्स इसके साठवें साल में फोर्टीथ ईयर में मतलब तो सर्विस के या सिक्सटी ईयर्स जब उनकी एज होगी ट्वेंटी से स्टार्ट की एज तो दैट लास्ट जो टर्म होगी उसको एल से डोनोट कर देते हैं एल से मीन्स ये ए एन जो है ना उसका ए, ए एन ना बोल के हम एल बोल देते हैं क्योंकि एन एट टर्म नहीं है लिमिटेड है फिक्स है क्लियर है तो आई कैन राइट ए एन की जगह वी कैन राइट ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ये सिर्फ बताने का मतलब ये है कि यदि फाइनेट टर्म है तो हम ए एम बोल सकते हैं या जो लास्ट टर्म बोलते हैं हम वो बोल देंगे क्योंकि इट इज़ द फाइनस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एल से शो कर देते हैं तो बहुत बार फॉर्मूले में हम जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैसे नीचे वाले का कोई आपको रिलीवेंस नहीं रहेगा बस यही बताने के लिए कि ये फाइनाइट एट प्रोग्रेशन की जो लास्ट टर्म होते हैं उसको एनएट टर्म ना बोलते हैं उसको एल से लास्ट टर्म बोल देते हैं एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं आप ए एम भूल भी जाओ फॉर्मलाइज सेम ए प्लस एन माइनस वन डी राइट ओके तो ये आपके लिए ना एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर होगा सो दिस इज एग्जाम्पल थ्री फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एन ए पी दिस आप इस ए पी को एथमेटिक प्रोग्रेशन को ध्यान से देखोगे टू सेवन ट्वेल्व और डॉट के बाद डॉट डौ, डॉट डौ, डॉट मीन्स दिस इज इनफाइनिट अर्थमेटिक पोकेशन इसमें इन्फाइनट टर्म्स है राइट मीन्स तो इन्फाइनिट नंबर्स आएंगे चलती जाएगी जहाँ तक चाहो इसका मतलब इसमें एंड नहीं है कहीं पर, तो 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 पर भी तो इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है हम टर्म्स पता लगा सकते हैं हज़ार नंबर पे क्या होगी एक लाख नंबर पे क्या होगी तो हम ये नहीं बोल सकते कि एंड होगी तो इसमें लास्ट टर्म कुछ नहीं होगी बिकॉज इट इज़ इन्फाइनेट तो इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछा रहे हमको टेंथ टर्म बता दो तो पहली ये है दूसरी ये है तीसरी है टेंथ में बता दो तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल है कैसे लिखेंगे हे इन दिस अर्थमेटिक प्रोगेशन फर्स्ट टर्म इज़ वाट ए इज इक्वल टू टू ये मालूम चलेगा अब हमको क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्योंकि हमको पहले ही दिया हुआ है हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो किसी एक का डिफरेंस निकाल लो वो हर एक में सेम होगा तो सेवन माइनस टू तो डी निकल आया सेवन माइनस टू दैट इज़ फाइव या ट्वेल्व माइनस सेवन करूँगा वो भी फाइव ही आएगा आप कैसे भी कर लो तो अब आपको हर एक को अलग अलग करने की देखने की जरूरत नहीं है वाई बिकॉज वी ऑलरेडी सेड और द क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज एन आर्थमैटिक प्रोफेशन दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज कॉमन वो चेंज नहीं हो रहा है ठीक है ओके okay. अब एन एथ टर्म पता लगाना एन एथ कौन सा टेंथ टर्म तो एन की वैल्यू क्या होगी टेन और हमको एन एट टर्म का फॉर्मूला मालूम ही है क्या होता है एन एट टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी तो इसमें ए दिया हुआ है टू एन दिया हुआ है टेन और डी कितना दिया हुआ है फाइव जस्ट पुट दो वैल्यूज तो ए टेंथ टर्म क्या होगी टू प्लस टेन माइनस वन इंटू फाइव तो टू का तो टू रह गया टेन माइनस वन नाइन नाइन फाइव फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव प्लस टू इज वट फोर्टी सेवन दैट मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जो टेंथ टर्म आएगी वो क्या होगी फोर्टी सेवन क्लियर हो गया इजीली सॉल्व ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 4 विस्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 फिफ्टीन डैश डैट डैश इज 81 एट्टी वन इसमें आपको टर्म दे दी ये नहीं बताया ये कौन सी टर्म है अब आपको यही पूछ रहा है कि भैया मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दिया है जिसमें माइनस एट्टी भी आता है कहीं पर तो वो किस जगह पे आता है आल्सो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आल्सो इज़ एनी टर्म जीरो क्या मैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं पे जीरो भी आएगा क्या यदि जीरो इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है भी कि नहीं ये पता लगाना है तो दो चीज़ पता लगानी है और पता लगाने के साथ साथ वो पूछा है गिव रीज़न फॉर योर आंसर यदि जो आप आंसर बोल रहे हो कि सपोज जीरो और माइनस जीरो इसकी टर्म है तो क्यों है और माइनस एट्टी वन है तो कौन सी टर्म है ये हमें पूछा जा रहा है तो हाउ विल विल राइट वी राइट कि द गिवन और द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए इज ट्वेंटी वन ए इज़ वट फर्स्ट टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म है ट्वेंटी वन डिफरेंस निकालो किसी दो का हर एक का निकालने की उतनी है क्योंकि इट इज़ एन एर्थमेटिक पोजेशन तो 18 माइनस ट्वेंटी तो 18 माइनस ट्वेंटी वन कहता हूँ माइनस थ्री या 15 माइनस एटीन किसी को भी कर लो 15 माइनस माइनस एटीन करोगे तो माइनस थ्री आएगा तो कॉमन डिफरेंस इज माइनस थ्री ए इज़ द फर्स्ट टर्म और हमको ये पता लगाना है कि माइनस एटी वन इसकी कौन सी टर्म है दैट मीन्स मैं बोलता हूँ मान लो ये इसकी इन्फाइनट सीरीज़ है ये एन टर्म है तो एन एट टर्म हमको दी हुई है तो वी कैन से द एनएट टर्म एन एट टर्म इज इक्वल टू माइनस एटी वन तो हमको वो एन की वैल्यू पता लगानी है और ए एन का फॉर्मूला हमको मालूम है एन एट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है राइट right? क्या फॉर्मूला होता है एन एट फॉर्मूला फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी तो हमको ए एन दिया हुआ है माइनस एटी वन ए दिया हुआ है ट्वेंटी वन डी दिया हुआ है माइनस थ्री हमको अगर पता लगाना एन सारी चीजें दी हुई हैं जस्ट पुट ऑल दोज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला तो राइट इट डाउन सो वट वी विल हैव वी विल हैव दिस मच दिया माइनस एट्टीस एट्टी टू ट्वेंटी करो भाई राइट को सोल्व करोगे क्या हो गया ट्वेंटी फोर माइनस थ्री एन इसको सबको सोल्व इधर उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली यू विल गेट दिस और प्लस हो गया तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया थर्टी फाइव दैट मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि मैं सीरीज बनाऊँगा तो मैं इसमें से माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस करता रहूंगा अल्टीमेटली आई विल गेट माइनस एट्टी वन एंड माइनस एट्टी वन कौन में आएगा थर्टी फिफ्थ जो टर्म होगी ये फर्स्ट है ये सेकंड है थर्ड है, है इस तरीके से थर्टी फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी माइनस एट्टी वन होगी सो वी कैन राइट देअर फोर द थर्टी फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन ए पी इज माइनस वन तो हमने पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज या द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इज एनी टर्म जीरो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जीरो भी आता है कि नहीं आता है तो मान लेते हैं सपोज वी से कि जीरो भी एक इसकी टर्म है अब हमको नहीं मालूम है जीरो कब आएगा हमको माइनस एट्टी वन तो मालूम चल गया थर्टी फिफ्थ कम है दैट मीन्स माइनस एट्टी वन है तो जीरो इससे पहले आएगा थर्टी फाइव टर्म से पहले होना चाहिए यदि है तो तो विल से वी वॉन्ट टू नो इफ देर इज एनी एन टर्म फॉर विच ए एन इज इक्वल टू जीरो अब ए एन यहाँ पे इस बार जीरो है बाकी सब चीजें दी हुई हैं तो एन की वैल्यू पता लगानी है इफ़ सच एन एन टर्म इज़ देयर देन इट विल सेटिसफाई दिस इक्वेशन मीन्स इस फॉर्मूला को सेटिसफाई करेगा तो विल राइट ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन d इज इक्वल टू जीरो जीरो इज माई एन एट टर्म सोल्व कर लो सॉल्व किया इसको और सॉल्व करो n इज इक्ल टू वैल्यू क्या होगी एट एन की वैल्यू क्या होगी मेरी एक एक प्योर नंबर आया दैट मीन्स मेरी जो एन एट टर्म जो होगी वो क्या होगी एटवीं टर्म मीन्स ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे ही चलते जाओगे यदि कितना माइनस करता हूँ माइनस थ्री माइनस थ्री करते जाओगे तो जो 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 एटवीं टर्म आएगी वो क्या होगी जीरो क्योंकि एन की वैल्यू मेरी प्योर फिगर आ गई पॉइंट्स में नहीं आया कुछ भी राइट right? सो वी विल से सो दर्म इज जीरो तो हैं हमने प्रूव कर दिया कि ये जीरो भी इस अर्थमेटिक प्रोगेशन का पार्ट है या उसकी टर्म है और कौन सी टर्म है इज द एथ टर्म क्लियर वेरी गुड जस्ट एक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल फाइव डिटर्माइन द अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज फाइव एंड द सेवेंथ टर्म इज नाइन सो आपको वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लगाना है जिसकी दो टर्म दी है थर्ड टर्म जो है फाइव है और जो सेवन्थ टर्म है वो नाइन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे सो विल राइट वट वी हैव, वी हैव गिवन, ए थ्री थर्ड टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन डी तो ए क्या है फर्स्ट टर्म है सपोज एन एन एफ टर्म क्या मैं थर्ड टर्म थर्ड टर्म थ्री माइनस वन इन टू डी दैट इज फाइव तो वी विल राइट ए प्लस टू माइनस वन क्या हुआ टू डी थ्री माइनस वन इज टू डी और ए थ्री की वैल्यू दी हुई है हमें फाइव तो विल राइट फाइव इज वल टू ए प्लस टू डी तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ये कहाँ आई जो पहली कंडीशन दी हुई है एग्जैक्टली सेम एम एज सेवन टर्म नीन ए सेवन इज ईक्ल टू क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस सेवन माइनस वन डी तो लिख दो यार इज ईक्ल टू ए प्लस सेवन माइनस वन डी और क्या लिख सकते हैं ए प्लस सिक्स डी ए सेवन की वैल्यू क्या दी हुई है नाइन तो विल राइट नाइन इज ईक्ल टू ए प्लस सिक्स डी तो हमारे पास क्या हो गई दो इक्वेशन आ गए दो वेरिएबल हो गए ए और डी मीन्स एक्स और वाई मीन्स दिस इज वट टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और दो लीनियर इक्वेशंस एक्स और वाई में होती हैं तो आप सॉल्व कर लेते हो कैसे भी सॉल्व कर लो एंड जब इनको आप सॉल्व कर लोगे व्हाट यू विल गेट बट आप जब अपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे जैसे मैंने गया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन एंड टू वी गेट डायरेक्टली दिस नो यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट

तो इट विल भी लाइक्स कैसे लिखेंगे हैज द रिक्वाड अर्थमैटिक प्रोगेशन इज फर्स्ट टर्म थ्री उसमें डी में वन एड कर दिया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कॉमर डैश डैश मीन इट इज एन इनफाइनेट अर्थमैटिक प्रोगेशन एंड सॉल्ड लेट्स टेक वन फोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल सिक्स चेक वेदर थ्री जीरो वन इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस मीन्स आपको एक अर्थमेटिक प्रोगेशन दिया हुआ है उसमें पूछा जा रहा है थ्री हंड्रेड वन क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है कि नहीं है ये पूछ रहे हैं तो हमको क्या पता लगाना है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले ए और डी निकाल लो और ए और डी निकल गया तो हम क्या बोल रहे हैं एन एक्ट टर्म सपोज हमारी थ्री हंड्रेड एंड वन है तो एन पता लगाना है कौन से नंबर की टर्म होगी थ्री थ्री हंड्रेड एंड वन ये हमें हमने वैसे सॉल्व भी किया था सिमिलर क्वेश्चन सो वी विल राइट दिस वे सोल्यूशन वी हैव ए टू माइनस ए वन मीन्स डी निकालना चाह रहे हैं इलेवन माइनस फाइव इलेवन माइनस फाइव इज सिक्स एक बार चेक कर लें क्योंकि हमको यहाँ पे नहीं ये नहीं लिखा कि इट इज़ एन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है तो वी हैव टू री चेक इट तो री चेक करने क्या होता है जितनी भी इक्वेशन जितने भी टर्म्स दी हुई हैं उनका सबका डिफरेंस देख लो तो इलेवन माइनस फाइव सिक्स सेवनटीन माइनस इलेवन इज सिक्स एंड ट्वेंटी थ्री माइनस सेवनटीन हम क्या लिखते हैं ए फोर माइनस ए थ्री दैट मीन्स ट्वेंटी थ्री माइनस सेवनटीन सिक्स तो सब में डिफरेंस क्या करना है कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम दैट मीन्स दिस दिस जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है वो क्या है ए पी है एंड इफ दिस इज एन ए पी वी विल से क्योंकि डी सेम है तो कोई भी टर्म हो तो उनके बीच में क्या होगा डिफरेंस हमेशा सिक्स ही रहेगा और यदि ये, ये रहेगा तो ये लिस्ट ऑफ नंबर के अर्थमेटिक पॉजेशन है यही जो मैं बोल रहा था वो हमने यहाँ लिख दिया एंड इफ इज एन अर्थमेटिक पॉजेशन वी विल से कि इसके अंदर ए टर्म है फाइव डी ए सिक्स तो एन एट टर्म हम पता लगा सकते हैं सो लेट्स थ्री जीरो एन एट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम क्या लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ए मालूम ही है ये फाइव डी हमें मालूम है एन पता लगाना है और ए एन एट टर्म दी हुई है कितनी वैल्यू है थ्री हंड्रेड एंड वन तो राइट थ्री हंड्रेड एंड वन इक्वल टू फाइव प्लस एन माइनस वन इन टू डी सिक्स यहाँ से एन की वैल्यू निकल प्लीज सॉल्व इट तो वट वी विल गेट अल्टीमेटली वी विल गेट एन इजल टू वन फिफ्टी वन डिवाइड बाय थ्री और यदि आप इसको सॉल्व करोगे क्या वैल्यू मिलेगी एन की आपको कुछ डॉ उसमें मिलेगी डिजिट्स में मिलेगी राइट जैसे चलो डिवाइड करते हैं थ्री फिफ्टीन ज थ्री फाइव जो फिफ्टीन और उसके बाद वन आया टेन हो गया राइट उसके बाद टेन आ गया तो टेन पॉइंट थ्री 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 आएगी और हम ऐसे तो कोई टर्म होती नहीं हमें टेन पॉइंट थ्री 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 टेन पॉइंट थ्री थ्री टर्म होती है जैसे फर्स्ट टर्म है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है बट पॉइंट्स में तो कोई टर्म नहीं होती बिकॉज एन की वैल्यू हमारी किस में आई है पॉइंट्स में आई है देर फो से कि बिकॉज या बट एन शुड बी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है थ्री हंड्रेड वन इज़ नॉट टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इसलिए थ्री हंड्रेड वन गिवन जो लिस्ट ऑफ नंबर है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका पार्ट नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू क्या इज इन मतलब नेचुरल नंबर नहीं आया पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया क्लियर है ओके वेरी गुड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेवन एंड इट सेस की हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजन बाय थ्री तो हमको दो डिजिट नंबर पता लगाने हैं जो थ्री से डिवाइड होते हैं तो ये तो बहुत आसान है तो वी कैन से दो डिजिट नंबर कहाँ से होंगे द लिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर डिवाइड बाई थ्री इज ट्वेल्व क्योंकि थ्री थ्रीजन थी नाइन तो सिंगल डिजिट है तो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व आया तो थ्री की टेबल में फिफ्टीन थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री सिक्स जो एटीन ऐसा चलता जाएगा और लास्ट टू डिजिट क्या होगा नाइन्टी नाइन अदरवाइज हंड्रेड क्या है थ्री डिजिट नंबर हो गया तो लास्ट डिजिट नाइन्टी नाइन क्या है ये थ्री सा है? यू, 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 क्यों हैस नाइन डिविजिबल बाय थ्री थ्री तो थ्री थ्री जा ये भी हो है तो ये हमारे पास क्या हो गया एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई जिसका लास्ट टर्म भी हमें मालूम है सो so, हम इसमें क्या बोलते हैं इस डिजन ए पी क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है लिस्ट ऑफ नंबर्स तो है तो यदि है कि नहीं है तो कैसे पता लगाते हैं कोई भी जितनी टर्म्स भी हैं तो बहुत ज़्यादातर टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल के देख लो तो हम कहेंगे 15 माइनस ट्वेल्व इज थ्री एटीन माइनस फिफ्टीन इज थ्री और कोई भी और टर्म के अगर तो हम वी विल से यस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है क्योंकि डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस इज़ थ्री हेयर वी विल से ए इज इक्ल टू ट्व फर्स्ट टर्म इज़ हमारी ट्वेल्व है कॉमन डिफरेंस इस थ्री है तो एन एड टर्म हमें मालूम ही है वो क्या है नाइन्टी नाइन दैट इज मीन्स लास्ट टर्म जब लास्ट टर्म मेरे को मालूम है या उसको एनएट टर्म बोले तो हमको क्या पता लगाना है कितने ऐसे टू डिजिट नंबर है यदि मुझे लास्ट मालूम है तो मुझे मालूम चलता है कि नाइन्टी नाइन कौन से नंबर की टर्म है तो उतने ही नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे इसमें तो एन मालूम है ए मालूम है डी मालूम है तो ए एन का फॉर्मूला मालूम होता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी तो वी कैन राइट As an is equal to a plus n minus 1 d, what we will have? Just by putting these, we will get 99 is equal to 12 plus n minus 1 d. That is 3. इसको आप solve कर लो. So you will get ultimately n की value मिल जाएगी. तो n की value क्या आई? 20? नहीं, 29 नहीं. ये 1 आ गया. That means 30. तो n की ki value कितनी आगे 30. So there are 32 digit number divisible by 3. तो मीन्स हम टू डिजिट नंबर यदि देखेंगे जो थ्री से डिवाइड होते हैं वो टोटल कितने नंबर होते हैं थर्टी और उसमें से लास्ट नंबर क्या होता है नाइन्टी नाइन इसको यूज़ करते हुए हमने लास्ट टर्म को यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म मालूम है कॉमन डिफरेंस लेते हुए वी वर एबल टू फाइंड कि इस सीरीज़ में कितने टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे क्योंकि हमें लास्ट मालूम चल गया और जो लास्ट है वही हमारी टोटल डिजिट होगी हैंज वी प्रूव इट ओके लेट्स टेक वन मोर example. दिस इज example नंबर 8 फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म towards द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP. This. दिस तो हमको अर्थमेटिक प्रोगेशन दिया हुआ है जिसमें क्या है ध्यान से देखोगे इसमें लास्ट टर्म दी हुई है दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी लास्ट टर्म इन्फाइनिइट नहीं है ऐसा नहीं चलता ही जाएगा इसमें भी फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है. अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको इलेवन टर्म पता लगानी है बट इलेवन टर्म कहाँ से पता नहीं है फ्रॉम द लास्ट टर्म मीन्स उल्टा स्टार्ट करना है इधर से स्टार्ट करके उल्टा में हमको पता लगाना है इलेवन टर्म वो क्या होगी तो पहले तो ये ए पी है तो इससे हम ये तो पता लगा लें कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है यदि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल जाए तब हम इलेवन टर्म पता लगा सकते हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं ये हम आगे समझेंगे तो फर्स्ट वी विल राइट कि हे क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है एज इकल टू टेन एज द फर्स्ट टर्म d is a common difference that is 7 minus 10 means second term minus this या 4 minus 7 that is minus 3 किसी एक कोई करेंगे बिकॉज इज द अर्थमेटिक पोगेशन देन लास्ट टर्म दिया हुआ है माइनस सिक्सटी टू term टर्म मीन्स द term so we can say l is equal to a plus n minus वन d इसलिए हम बोल रहे थे कि जहाँ अर्थमेटिक प्रोगेशन में फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो लास्ट टर्म को या एनएट टर्म को हम एल से लिख देते हैं फॉर्मूला से ही है ओके okay. तो यदि ये हमको देखो ए मालूम है डी मालूम है एल मालूम है तो हम एन नंबर ऑफ़ टर्म्स पता लगा सकते हैं पता लगा लें पहले तो टू फाइंड द एलेवन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी क्यों हम बोल रहे हैं इसको हमको समझना जरूरी होगा पर फर्स्ट लेट्स राइट डाउन क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं इसलिए आप जस्ट ये यज्यूम कर लो कि ये हमने जस्ट लिख दिया समझाने के लिए ओके okay. तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ़ पता टर्म्स लगा, पता लगाएंगे तो ऊपर वाले फॉर्मूला डाल दो तो लेट्स पुट इट माइनस सिक्सटी टू इज इक्वल टू टेन इज द फर्स्ट टर्म एन माइनस वन डी इज माइनस थ्री यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी तो लेट्स सोल्व इट और सॉल्व करो तो so एन की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फाइव दैट मीन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देयर आर ट्वेंटी टर्म्स इन द गि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ट्वेंटी फाइव टर्म्स हैं और जो ट्वेंटी फिफ्थ टर्म है दैट इज द लास्ट टर्म उसकी वैल्यू कितनी है माइनस सिक्सटी टू सो वी हैव टू फाइंड द इलेवन टर्म और यहाँ क्या हम लिख रहे हैं देखो द एलेवन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म एलेवन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी 50th, 15th टर्म मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं 25 नंबर को ऐसे लिखूँ 1 से लेकर 25 यदि मैं नंबर लिखूँ और मुझे पता लगाना है इलेवन टर्म कहाँ से बैक साइड से ऑपोजिट साइड से फ्रंट से नहीं बैक से तो देखो ये मेरी ट्वेंटी जो है लास्ट टर्म थी मैं इसको यदि फर्स्ट बोलूँगा ये सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है, है सिक्सथ है सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ एलेवन्थ टर्म क्या होगी मेरी फिफ्टीन कब है मेरी फिफ्टीन टर्म जब मैं इलेवन टर्म कहाँ से गिन रहा हूँ एंड लास्ट टर्म से बैक आ रहा हूँ दैट मीन्स इलेवन टर्म्स जब मैं बोल रहा हूँ ट्वेंटी फाइव टोटल टर्म्स हैं और तो मैंने क्या किया कि कितना माइनस किया टेन माइनस किया तभी तो मेरे को मालूम चला फिफ्टीन टर्म तो वट आई हैव टू फाइंड आउट कि मैं यहाँ से यदि स्टार्टिंग से फिफ्टी टर्म पता लगा लूँ तो मेरी सीरीज में कितने टर्म है टोटल ट्वेंटी फाइव टर्म तो मैं क्या करूँगा मैं टेंथ फिफ्टींथ टर्म पता लगाऊंगा तो जब भी ऐसे आए टूअर्ड्स द फर्स्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म से मैं फर्स्ट टर्म की तरफ चलूँ तो मुझे वो टर्म बताओ तो आपको क्या करना है जो भी टर्म पूछी है उसमें से एक माइनस करो तो 25 फाइव यदि तो टोटल टर्म आई 25 फाइव माइनस क्या करो 10 तो आपको कौन सी टर्म पता लगानी है फिफ्टीनथ टर्म पता लगानी कहां कहाँ से स्टार्टिंग से अब ये तो बहुत ईजी है ए आपको देखो दिया हुआ है डी दिया हुआ है तो तक तो पता लगा सकते हो तो फॉर्मूला क्या होगा ए एन या ए फिफ्टीन इजिक्वल टू टेन प्लस फिफ्टीन माइनस वन इन टू माइनस थ्री इसको सॉल्व कर ले टेन माइनस फोर्टी टू और वैल्यू इज कितनी माइनस थर्टी टू दैट मीन्स स्टार्टिंग से यदि मैं फिफ्टींथ टर्म देखूंगा उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस थर्टी टू या मैं बोलूँ एंड से चलूँगा तो वो कौन सी टर्म होगी इलेवेंथ टर्म तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी माइनस थर्टी टू तो मैं राइट right से चलूँ या मैं लेफ्ट से चलूँ मतलब दोनों का सेम है बस नाम बदल गए एक जब मैं पीछे की तरफ से चल रहा हूँ इधर से चल रहा हूँ तो आई विल से कि ये जो फिफ्टीन टर्म आ रही है वो इधर से गिनूंगा तो इलेवेंथ टर्म होगी और लॉजिक क्या याद रखना है आपको जो भी टर्म है उससे एक माइनस करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से माइनस कर दो तो आप लेफ्ट एंड साइड से पता लगा सकते हो ठीक है वेरी गुड सो वील से दैट इज द इलेवन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज माइनस थर्टी टू अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको यदि दिखना है इसको दूसरे के भी सॉल्व कर सकते थे वी कुड है राइटिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द रिवर्स ऑर्डर यदि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और रिवर्स ऑर्डर में लिख देता तो भी क्या मेरे को आंसर इजीली मिल जाएगा मिल सकता है तो बट वी विल राइट वी कैन राइट दिस वे The given is 62 4 7 10 तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए इज टू क्या हो जाएगा माइनस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा कोई भी दो टर्म का ले लो तो 10 माइनस 7 तो 3 यहाँ डिफरेंस कितना था माइनस 3 यहाँ क्या होगा प्लस 3 क्योंकि हमने उल्टा कर दिया फर्स्ट टर्म मालूम है d मालूम है कौन सी टर्म पता लगानी थी हमको इलेवन टर्म तो a मालूम है d मालूम है तो टर्म क्या होगी गया था टर्म तो यू राइट ए इलेवन इज इक टू माइनस सिक्सटी टू प्लस एन माइनस वन इलेवन माइनस वन इन थ्री तो आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग माइनस थर्टी टू सो द अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज कम्पिटिवली ईजी वहाँ क्या किया आपने गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट आप जो पहले हमने सॉल्व किया ऐसे करना है ऐसे करो या राइट हैंड साइड में जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया ऐसे सॉल्व करो इट्स अप टू यू क्लियर ओके So, the 11th term, which is now the required term, is minus 32. So, we have answer answer. Right? So, let us take one more example. This is example number 9. A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years, making use of this fact. तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो दोबारा क्या बोल रहा है कि हमारे पास वन थाउजेंड रुपीज़ हमारे पे हमने इन्वेस्ट किए बैंक में हमने इन्वेस्ट किए मीस कहाँ डालते हैं बैंक में तो हमने बैंक में वन थाउजेंड रुपीज़ डाले बैंक हमको इंटरेस्ट कितना दे रहा है एवरी ईयर पर आई पे ईयर दे रहा है कितना एट परसेंट और किस टाइप का इंटरेस्ट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट अ कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आपको मालूम है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट वन थाउजेंड रुपीज़ होंगे उसमें एट परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में फिर अगले साल एक परसेंट इंक्रीज हो जाए ऐसा होता रहेगा ओके okay. अब वो क्या बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ एट द एंड ऑफ ईच ईयर हर साल के एंड में इंटरेस्ट निकालो और फिर आप ये देखो कि जो उससे सीरीज बनती है इज इट एन ए पी अर्थमेटिक प्रोकेशन है और यदि वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको क्या पता लगाना है तो थर्टीथ ईयर में उसकी इंटरेस्ट कितना होगा टोटल ये हमें पता लगाना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो हम ऐसे लिखेंगे कि वी नो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपलेट सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय आपको याद ही था क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी अपन हंड्रेड वेयर पी इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट दैट मींस वन थाउजेंड रुपीज़ आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एट परसेंट में इसलिए हंड्रेड लिख लिया नीचे टी इज द टाइम और टाइम क्या है हम एक दो महीने का निकाल लें एक दो साल का निकाल लें तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तो लेट्स राइट इट डाउन सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एक साल के बाद हमारा कितना इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से हमें तो मिलेगा वन थाउजेंड इन आर इज़ द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू वन अपन हंड्रेड तो एट्टी रुपीज़ हमको मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में कितने मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में अमाउंट तो सेम ही रहा क्योंकि कंपाउंड नहीं है ये yes इसमें ऐड नहीं होगा तो अगेन वन थाउजेंड दो साल यदि बैंक में रखता तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है वन थाउजेंड आर सेम रेट से मिलता फॉर टू ईयर्स इट विल बी वन सिक्सटी रुपीज़ प्लीज एट्टी रुपीज़ था फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कितना इंटर्स, इंटर्स मिला हुआ इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट मिला वन सिक्सटी थर्ड ईयर में निकालता तो थ्री से मल्टीप्लाई करता मीन्स टू फोर्टी अब आपको इंटरेस्ट मालूम चलता जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में एट्टी अगले साल दो साल तक मैं रखता बैंक में तो वन सिक्सटी मिलता थ्री ईयर्स तक मिलता तो टू फोर्टी मिलता ऐसी मेरे को थर्टी ईयर्स तक करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर सकता हूँ वैसे थाउजेंड इंटू एट इंटू थर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड तो मेरे उतने ईयर्स का इंटरेस्ट मालूम चल जाता बट हमको किस तरीके से फॉर्म करना है पहले तो हमें पता लगाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन भी रहा है कि जो इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो देखो इसको हम पता तो लगा सकते हैं थर्टी में फोर्थ फिफ्थ ईयर का तो हमारे तीन सफिशेंट है इन्हीं से निकाल लेते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज़ जो बन रहा है वो बन रहा है एट्टी 160, 240 एंड सो ऑन कंटिन्यूस चलता है इन्फाइनेट तक जब तक हम बैंक में पैसा रखेंगे वेयर यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका ए तो क्या हो गया एट्टी वी विल राइट दिस वे और डी क्या हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस देखो किसी के बीच में इट्स एट्टी तो ए मालूम चल गया और डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस जो कि सेम है दैट मीन्स इट इज़ एन एर्थमेटिक पोगेशन एंड इफ दिस इज एन एर्थमेटिक पोजेशन तो हमको थर्टियथ ईयर मीन्स थर्टियथ टा लगाना है तो वी विल राइट थर्टी ईयर में दैट मीन्स ए थर्टी शेल बी कितना होगा ए प्लस एन माइनस वन डी एन इज़ थर्टी माइनस वन इंटू डी ए की वैल्यू डाल दो ए इज़ कितना एट्टी इंटू ट्वेंटी नाइन्थ 30 माइनस वन ट्वेंटी नाइन डी के डिफ्रेंस एट्टी इसको सोल्व कर लो वट यू विल गेट इट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ तो आपको थर्टीथ ईयर पे यदि थर्टी ईयर्स तक आप बैंक में पैसा रखते तो आपको कितना पैसा इंटरेस्ट फॉर्म में मिलता है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एक 1000 8% इंटरेस्ट पे 30 इयर्स में जीरो यहां लगाते थे तो क्या होता टू फोर जीरो इतना ही आता तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे पर क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने उसको पहले तो ये पता लगाया कि जो सीरीज़ बनी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं उसके लिए क्या किया हमने कॉमन डिफरेंस देखा कि सब टर्म के बीच में सेम है कि नहीं उससे फिर हमको जब मालूम चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमने ईजिली एन एथ टर्म निकाल ली कौन सी एन एच टर्म थर्टी एथ ईयर में वो वैल्यू ही आ गए काउंटर चेक करने के लिए जो मैंने आपको बताया यहाँ आप थर्टी लिख देते टाइम को तो वैल्यू सेम आती तो ये करेक्ट है that way we have solved this problem so the interest at the end of 30 years will be rupees 2400 this way we have to write so that it means ki we have completed the question jo question tha uska answer complete kar diya right this is example 10 so in a flower bed Flower bed means फूलों का एक bed बनाया हमने खेत में राइट right? जैसे घर में bed होता है ऐसी फूलों का bed है ये देर आर ट्वेंटी थ्री रोज प्लांट्स गुलाब के फूल लगे इन द फर्स्ट रो ट्वेंटी वन इन द सेकेंड नाइन्टीन इन द थर्ड एंड सो वन मीन्स मैंने जो फ्लावर का बेड बनाया उसमें जो रोज़ बनाई रोज कैसे होती हैं ऑरिजेंटल पहली रो, सेकेंड रो थर्ड रो ऐसे नंबर ऑफ रोज हैं तो जो ट्वेंटी थ्री प्लान्ट लगाए पहली रो में सेकेंड रो में ट्वेंटी वन थर्ड रो में नाइन्टीन ऐसे में कम करता गया हर एक में देर आर फाइव रोज़ प्लांट्स इन द लास्ट रो और ये क्या बता रहा है इसमें कंडीशन दी है कि जो मेरी लास्ट रो होगी क्योंकि इन्फाइनट नहीं है जो मेरी लास्ट रो होगी उसमें कितने पॉइंट है फाइव रोज ही हैं सो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड देखो सेम सिंपल अर्थ में यदि बोलता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जिसमें फर्स्ट टर्म ट्वेंटी थ्री है सेकेंड ट्वेंटी वन है थर्ड नाइनटीन है लास्ट टर्म फाइव है तो मुझे बता दो कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ है मीन्स लास्ट टर्म दी है ए दिया डी दिए आप इजीली पता लगा सकते थे पर ऐसे ना बोल के उसने कहानी बनाई तो कहानी को समझ को और आपने देखो यहाँ पे कहीं भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कैसे याद रहेगा कि मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लगाना है क्या लगाना है जब आप रिविज़न करोगे तो आपको याद रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व कर सकता हूँ क्लियर सो वी विल राइट दिस वे कैसे लिखेंगे सो वी विल राइट द नंबर ऑफ रोज प्लांट इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन रोज आर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन नाइनटीन डैश डैश फाइव इसका मतलब क्या हो गया कि इट फॉर्म्स एन एपी क्यों बोल रहे हैं हम एपी क्योंकि हर के बीच में आप डिफरेंस देखोगे 21 वन माइनस थ्री कितने का हुआ डिफरेंस माइनस टू का 19 माइनस ट्वेंटी वन माइनस टू का राइट कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट हमें मालूम है लास्ट हम मालूम है एंड इफ दैट इज़ द केस लेट द नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड बी एन एन नंबर ऑफ रोज है तो लास्ट टर्म क्या है फाइव तो वी कैन से एज़ ट्वेंटी थ्री

अल्टीमेटली वी गेट एन इज इक्ल टू टेन दैट मीन्स उन्होंने अपने जो फ्लावर वर्ड है उसमें कितनी रोज़ बनाई पहली में ट्वेंटी थ्री फिर ट्वेंटी वन नाइनटीन ऐसे टोटल रोज ही पुट टेन रोज और जो टेंथ रो है उसमें कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स आए रोज फ्लावर फाइव सो so, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है पर स्टिल वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई यूजिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला राइट

तो इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं विच वी टुक डूरिंग द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर कुछ याद है ये फोटो ये कौन थी शशिकला एंड शशिकला क्या करती थी अपनी बेटी के बर्थडे पर गुल्लक में कुछ पैसे डालती थी और हर बर्थडे पे क्या करती थी उस अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती थी दैट मीन्स शी वॉज फॉलोइंग अ पैटर्न तो लेट्स रीड वट शी वॉज डूइंग याद नहीं है कोई बात नहीं दोबारा पढ़ लेते हैं तो शशिकला पोर्ट्स पीस हंड्रेड Into her daughter's money box, money box means good luck when she was one year old and increased the amount by rupees fifty every year. Means first year on 100 dale and every year she was increasing it by 50 rupees. The amount of money in the box on 1st, 2nd, 3rd, 4th, respective birthdays were 100, 150, 200, 250, and so on, respectively. That can this much we can say. That is first birthday 100. Dale, नेक्स्ट बर्थडे पे फिफ्टी रुपीज़ से इंक्रीज़ करके कर दिया कितने डाले अपने गुल्लक में वन फिफ्टी रुपीज़ डाले उससे अगले बर्थडे में शीपुट टू हंड्रेड रुपीज़ क्यों टू हंड्रेड क्योंकि हंड्रेड फिफ्टी थे उसमें फिफ्टी ऐड कर दिए क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटी की गुल्लक में हर साल कुछ पैसे डालूंगी और जितने मैंने प्रीवियस ईयर में डाले उससे फिफ्टी रुपीज़ एक्स्ट्रा डालूंगी तो शी वॉज फॉलोइंग अ पैटर्न दैट इज़ वॉट वी लर्न और उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं अभी तक हमने क्या सीखा उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कैसे चेक करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि दो कंजुटेड टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है 250 फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड इज फिफ्टी टू हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी इज फिफ्टी वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड इज फिफ्टी दैट मीन्स ये जो गिवन टर्म्स हमको यहाँ दिख रही हैं अभी विजिबल हैं उनके बीच में डिफरेंस इज फिफ्टी ओनली वाई बिकॉज शी वॉज इंक्रीजिंग इट बाई फिफ्टी रुपीज़ ओनली एंड वैन कॉमन डिफरेंस इज फिफ्टी और इज़ यूनिफॉर्म दैट मीन्स द गिवन सीरीज इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है यही हमने अभी तक सीखा था ओके नाउ द क्वेश्चन कम्स कि टू फाइंड द टोटल अमाउंट इन द मनी बॉक्स ऑन हर ट्वेंटी फर्स्ट बर्थडे अब शशिकला चाहती है कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है ट्वेंटी वन ईयर्स की हो गई है वो गुल्लक तोड़ के उसमें से पैसे निकालना चाहती हैं एंड शी वॉन्ट टू नो कि उन्होंने इक्कीस साल में या इक्कीस बर्थडेज में कितना पैसा अपनी बेटी के लिए जमा किया और इफ़ आई आस्क यू कैन यू टेल मी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा तो आप क्या करोगे यू विल डू दिस वे सो वी विल हैव टू राइट ईच ऑफ द नंबर मीन्स कितने नंबर number? 21 वन नंबर्स क्यों ट्वेंटी वन क्योंकि ट्वेंटी वन बर्थ थे मीन्स इन्होंने उसमें ट्वेंटी वन टाइम्स पैसा डाला था इन द लिस्ट अबाव एंड देन एट दैन मीन्स मेरे को ये हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी ऐसे लिखता जाना होगा और ऐसा ट्वेंटी वन टाइम्स करना होगा और उन सबको ऐड करना होगा दैट मीन्स यू विल टेक एटलीस्ट पाँच मिनट लगी ही जाएंगे उनका कैलकुलेट करने में इफ़ यू हैवे कैलकुलेटर अवेलेबल विद यू ने थोड़ा फास्ट कर पाओ बट स्टिल यू विल टेक सम मिनट्स ऐसे चुटकी बताते नहीं कर दोगे मम्मी सेकेंड्स का आंसर नहीं बता दोगे राइट right? तो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी आ गया डोंट यू थिंक इट वड बी ए टी डी एस एंड टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली होगा कि एक तो पहले तो सीरीज लिखो फिर उनको ऐड करो बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और बड़ा मेहनत का काम भी है ज़रा सी भी कंसल्टेसन में गड़बड़ हो गई फिफ्टी एड करने में तो फिर दोबारा करो सो कैन वी राइट और मेक द प्रोसेस शॉर्टर क्या कोई तरीका है जिससे यही कैलकुलेशन 21 वन बर्थडे तक कितना पैसा इकट्ठ हुआ पता लगाया जा सकता है और क्यों हमेशा बोल रहे हैं क्योंकि इट देर इज़ अ पैटर्न इस पैटर्न को यूज़ करते हुए क्योंकि ए और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम है इन सब पैटर्न को यूज़ करते हुए कोई प्रोसेस बनाई जा सकती है और यदि बनाई जा सकती है तो वो क्या होती है और किसने सबसे पहले बनाई सो so, इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं आज से बहुत साल पहले एक बच्चों की क्लास चल रही थी तो वहाँ पे उनके टीचर ने पूछा और जैसे मैं भी आपसे पूछा हूँ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड इंटीजर्स। अभी आपको फार्मूला नहीं मालूम है कि फर्स्ट हंड्रेड इंटीजर्स या फर्स्ट एंड टर्म्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेस में सम कैसे पता लाया जाएगा तो एग्जैक्टली सेम थिंग इज देयर और यदि हमको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम चल गया और या जिस बंदे ने इसका आंसर निकाला कैसे निकाला वो हम समझ गए तो हम भी जान जाएंगे वो फार्मूला तो लेट्स सी या वो मेथड तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड इंटीजर्स और हंड्रेड इंटीजर्स क्या होंगे वी कैन से सपोज सम इज एस एस इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एस एप टू अपू हंड्रेड नंबर्स क्यों क्योंकि हंड्रेड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं इसका आपको सम पता लगाना है तो आप यदि सम करोगे तो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स आप मुंह जवानी भी कर सकते हो और पेंसिल पेन पैं पेपर पर पे भी कर सकते हो बट इट विल बी अ वट टी डी एस भी होगा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा बट यू हैव टू डू इट तो सेम क्वेश्चन हंड्रेड ईयर्स बैक एक स्टूडेंट से क्लास में टीचर ने पूछा एक वहाँ बच्चा था ही वॉज अराउंड ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड उसका नाम था गॉस एंड ही वॉज एबल टू आंसर विद इन फ्यू मिनट्स कि द सम इज़ फाइव जीरो फ़ाइव जीरो बहुत जल्दी उन्होंने पता लगा दिया वेर इज़ द कम्प्लीट क्लास उस समय तो कैलकुलेटर तो भी नहीं थे वो इसको ऐड करने में लगी हुई है राइट right? और उनको घंटों लग गए इसका आंसर लेने में बहुत बच्चों के बीच में गड़बड़ हो गई तो फिर वो दोबारा स्टार्ट किया तो बट ही वॉज एबल टू टेल द सम इज़ फाइव जीरो फ़ाइव ज़ीरो तो द क्वेश्चन इज़ कि उन्होंने फ़ाइव जीरो फ़ाइव जीरो आंसर सम विद इन फ्यू मिनट्स कैसे पता लगा दिया और यदि हमें ये पता लग जाए तो वी विल नो द पैटर्न या वी विल नो दैट फार्मूला या वो लॉजिक कैसे उन्होंने पता लगाया सो लेट्स सी कि वट ही डिड तो उन्होंने क्या किया कि सारे नंबर्स को वन से लेके कर हंड्रेड के नंबर को पहले उन्होंने इंक्रीजिंग ट्रेंड में ऐसे लिखा एंड ही डिड द अनदर थिंग उन्होंने सेम नंबर्स को यदि मैं उल्टा करके लिख दूँ डिक्रीजिंग ट्रेंड में मीन्स हंड्रेड पहले लिखूँ और वन में तो सम तो ऐसे ही रहेगा सो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर तो वही है मैं एक से लेके कर हंड्रेड तक लूँ या हंड्रेड से लेके कर वन तक काउंट करूँ सम को तो सम तो सम ही रहेगा तो ही डिड द सेम वे तो उन्होंने उसी के नंबर जो पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड में लिखे थे उनके नीचे उसने डिक्रीजिंग ट्रेंड में सेम नंबर्स को लिख दिया इन सच अ वे कि जो फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर को उन्होंने ऐड किया सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर के साथ ऐड किया तो इन दोनों लाइन्स को ऐड कर दिया तो एस प्लस एस क्या हो गया टू एस फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ वन प्लस हंड्रेड सेकेंड को सेकेंड के साथ टू प्लस नाइन्टी नाइन थ्री प्लस नाइन्टी एट एंड सो वन और लास्ट में क्या बचेगा थ्री का क्या नाइन्टी नाइन प्लस टू और हंड्रेड प्लस वन एंड दैट इज़ वट ही डिड अब आप ध्यान से देखेंगे ये जो पेयर बने दो दो नंबर्स के कि पहले वाले का फर्स्ट टर्म सेकेंड वाले का फर्स्ट टर्म दोनों फर्स्ट टर्म है फिर सेकेंड टर्म सेकंड टर्म के साथ थर्ड टर्म थर्ड टर्म के साथ तो यदि आप देखेंगे इनका सब वन प्लस हंड्रेड क्या हुआ हंड्रेड एंड वन नाइनटी नाइन प्लस टू इज हंड्रेड एंड वन एंड राइट में भी देखें हंड्रेड प्लस वन इज हंड्रेड एंड वन नाइन्टी नाइन प्लस टू इज हंड्रेड एंड वन देट मीन्स आप सब नंबर्स को या पेयर ऑफ नंबर्स का यदि सम करेंगे तो वो क्या आएगा 101, 101 एंड सो वन अप टू हंड्रेड एंड और ये 101, 101 कितनी टाइम आएगा 100 टाइम्स बिकॉज हाउ मेनी पेयर्स नंबर्स कितने है? 100, कितने पेयर बनाए हमने 100. तो वी कैन से दिस वे कि 2s एस इज इक्वल टू अभी मान लो हमने यहाँ 2 लिखा है तो उसको यदि नीचे लाते हैं तो ऐसे हो जाएगा तो 100 टाइम्स 101. तो 100 टाइम्स 101 ऐसे लिख सकते हैं हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वन और यदि हमको ये मालूम चल गया तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो आते ही टू वन 2 टू टू फिफ्टी जा और फिफ्टी को हंड्रेड एंड वन से मल्टीप्लाई कर दो इज़ वेरी इजी तो सम विल बी कितना फाइव जीरो फाइव जीरो एंड दैट इज़ वट गॉस डिड गॉस ने यही सब कुछ किया एग्जैक्टली exactly से मैं कि पहले सीरीज़ को इंक्रीजिंग ट्रेड में रखा उस सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया उनके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ एड किया एंड ही फाउंड आउट कि वो सब नंबर एक जैसे होते हैं टोटल हंड्रेड पेयर्स बने हंड्रेड पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ही वॉज एबल टू फाइंड द आंसर इस सेम मेथड को यदि हमको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमको उसके जनरल टर्म लिखनी आती है तो हम एक कुछ फॉर्मूला डिवाइज कर सकते हैं सो लेट्स डिवाइज उन्होंने डिवाइज नहीं किया बिकॉज ही वॉज वेरी यंग उन्होंने कि बस एक मैथड पता लगा लिया तो इसी मैथड को फ्यूचर में लोगों ने आगे जाके इसका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये ये तो है ही क्योंकि देखो सब नंबर है सबके बीच में डिफरेंस वन है इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम पता लगाने का दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है क्या हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं यस वी कैन तो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू जनरेट द फार्मूला सो लेट्स टेक्स द अर्थमेटिक प्रोगे अर्थमेटिक प्रोगेशन क्या लेंगे ना हमें जेनरिक फॉर्म लेनी है और हमको मालूम है किसी भी अर्थमेटिक फॉर्म में कि जेनरिक फॉर्म में हम क्या लिखते हैं जैसे भी दिमाग में ए पी आता है तो ए पी मीन फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज डी तो सेकंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस टू डी एंड सो वन एंड सपोज इसकी एनए टर्म पता लगाना है तो हमको क्या लिखते हैं एन एच टर्म विल बी ए प्लस एन माइनस वन डी तो हमारी ये अर्थमेटिक प्रोवेशन बन गया एंड दिस इज द जेनरिक फॉर्म अब हम 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 फॉर्म से ही क्या करते हैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे द वे गौस ने बनाया तो गॉस ने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि सपोज जो अर्थमेटिक प्रोगेशन है उसका सम ऐस है तो वी कैन एड एन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं मीन्स जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन्होंने क्या किया था सबको कर लिया था उन्होंने इंटीजर से तो वन से लेकर हंड्रेड को इंटीजर को ऐड किया था तो हम भी जो हमारा एडमिट प्रोसी जेनरिक फॉर्म दी हुई है उसको ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म इज ए सेकेंड ए प्लस डी थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी एन एड टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी सो दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन फिर गोस ने क्या किया था इसको रिवर्स किया था और रिवर्स करके ऐड किया था सो लेट्स डू दैट तो री राइट द टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर तो वट वी विल हैव एस इज इक्ल टू लास्ट टर्म लास्ट टर्म क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन डी उससे पहली वाली क्या होगी ए प्लस एन माइनस टू डी एंड सो वन और लास्ट में क्या बचेगा ए प्लस डी और ए तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया फिर ने क्या किया था इन दोनों को ऐड किया था लेट्स डू द एडिशन एंड इफ वी डू द एडिशन लेफ्ट साइड में क्या आएगा एस प्लस एस टू एस और राइट right में क्या आएगा फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को उन्होंने एक पेयर बनाया था तो हम भी वैसे ही बना रहे हैं देखो ए इसमें है इसमें क्या है ए तो डी टू ए और एन माइनस वन डी है ही लास्ट में भी देखो इस साइड राइट right में देखोगे वही किया है ए ये ए और एन माइनस वन डी और आप देखोगे बाकी किसी को भी देखोगे चलो सेकेंड टर्म को देखते हैं ए प्लस डी है और यहाँ क्या है टर्म ए प्लस एन माइनस टू डी तो देखो ए और ए क्या हुआ टू ए ये यहाँ पे डी है और यहाँ एन माइनस टू डी है एक एक्स्ट्रा डी आ गया तो क्या एन माइनस वन डी देट मीन्स जैसे गॉस को हर नंबर का हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड वन मिला था तो हमको क्या मिल रहा है इस केस में टू ए प्लस एन माइनस वन डी और ऐसे कितने पेयर बन के जो नंबर्स बने वो कितने बनेंगे टोटल एन तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी कैन से टू एस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ दिस जो आंसर आया उसके केस में था, 101. तो क्या था हंड्रेड एंड वन तो उन्होंने क्या कहता था हंड्रेड एंड वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड टर्म्स तो हमारे केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एन तो विल राइट एन इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी और एस में से ये टू नीचे लिया है तो वी कैन राइट दिस वे एस इज ईक्ल टू एन अपॉन्ट टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी

जब इन्फाइनट नंबर ऑफ टर्म्स हैं हम कह रहे हैं अप टू एन टर्म्स का सम क्या होगा अप टू एन टर्म्स का सम क्या होगा ये होगा और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन्फाइनट नहीं है इन्फाइनट है तो लास्ट टर्म क्या होती है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ए लास्ट टर्म क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन डी जिसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यदि लास्ट टर्म फाइनेट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं एल तो इट इज़ एल यदि a प्लस एन माइनस वन डी जो लास्ट टर्म यदि उसको l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस एथमेटिक पोजिशन में जिसमें फाइनेट टर्म्स हैं तो इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है किया जा सकता है कैसे इस टू ए और इसको थोड़ा सा अलग लिखो अलग अलग लिख के मीन्स ए प्लस ए लिख सकता हूँ प्लस एन माइनस वन डी ये तो है ही अब देखो ए प्लस एन माइनस वन डी इज़ माई लास्ट टर्म तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह मैं एल लिख सकता हूँ तो फार्मूला विल बिकम क्या है ए प्लस एल ए मीन इज द फर्स्ट टर्म एल इज़ द लास्ट टर्म मीनस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम डिवाइड बाय हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए तो पहला फार्मूला क्या होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें इन्फाइनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी एंड टर्म्स का यदि सम पता लगाना है फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ फाइनेट एलिमेंट्स और उसकी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमें मालूम है तो उन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ तो फार्मूला हो जाता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल तो ये आपको याद हो गया अब देखो गॉस का जो क्वेश्चन है यदि मैं आपसे अब पूछता कि फाइंड द सम ऑफ एन नंबर ऑफ़ टर्म्स उसने हंड्रेड पूछा था यहाँ पर एन ये भी हम फार्मूला बना सकते हैं तो देखो फर्स्ट टर्म हमको मालूम है क्या है वन तो इस वाले फार्मूला को ऊपर वाले फार्मूला से हम देखो हम बना सकते हैं कि फर्स्ट एन नंबर ऑफ़ इंटीजर सम बताओ तो आपको ए प्लस एल याद रखने के है या आप दूसरी तरीके से याद सकते हो कैसे एन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये तो एन ही रहा ए क्या है हमारा वन लास्ट टर्म क्या है हमारा इसमें एन तो क्या हो गया फार्मूला एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एन या मैं बोल सकता हूँ एस इजिकल टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू तो सम ऑफ एन इंटीजर्स क्या होता है फॉर्मूला एन मल्टीप्लाई बाय जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक टर्म और ऐड कर लो डिवाइड बाई टू तो आपको बहुत बार ना ये याद नहीं रहेगा भूल जाते हो पर यह आपको याद रहेगा हमेशा कि सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ एन इंटीजर किसी भी इंटीजर्स की सीरीज़ लो और उनका सम पता लगाना है यदि आपको फर्स्ट टर्म यदि वन से स्टार्ट हो रहे हैं इंटीजर्स तो मैं बोलूँ आपको वन से लेकर थाउजेंड तक का सम बताओ इंटीजर्स का तो आप क्या करोगे थाउजेंड मल्टीप्लाई वायर थाउजेंड प्लस वन हंड्रेड प्लस वन सॉरी थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड वन डिवाइड बाई टू तो आप फट से आंसर बता दोगे तो फार्मूला क्या यूज़ किया आपने एन इन टू एन प्लस वन बाई टू अदरवाइज़ ये एन एन प्लस वन बाई टू क्या हुआ ऊपर वाले फार्मूला से एन तो था ही नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई टू प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज़ वन लास्ट टर्म इज़ क्या थाउजेंड तो आपने निकाल लिया था राइट right? यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपको क्या याद रखना है इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है आपको ये वाला याद है बेशक आपको ये याद नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर ये तो आपको याद हो जाएगा एन नंबर ऑफ़ टाइम आप यूज़ करोगे ओवर द ईयर्स ठीक है अब भूल भी जाओगे देखना बहुत टाइम ये होता है कि आप भूल भी जाते हो कि आपने फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था और वहाँ से आपने निकाला था पर जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात आएगी तो सम आपको ये फार्मूला याद रहेगा ठीक है ओके अब इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या होता है डू एंड डू एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स तो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और एग्जाम्पल नंबर एलेवन इट सेज क्यू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोगेशन एट कॉमा थ्री कॉमा माइनस टू टू डैश मीन्स इज एन अर्थमेटिक प्रोगेशन और इनफाइनेट टर्म्स है और हमको कितने टर्म्स का सम पता लगाना है ट्वेंटी टू टर्म्स कौन सी फर्स्ट ट्वेंटी टू मीन्स फर्स्ट से स्टार्ट होंगे और इसके चलते हुए जाएंगे ट्वेंटी टू टर्म्स होंगे उन सबका संपता लगाना है और अब हमको फॉर्मूला मालूम है सो हाउट वी विल राइट दिस वे हेयर ए इज इक्वल टू एट वाई ए इज इकल टू एट बिकॉज इतना अर्थमेटिक प्रोगेशन है ये पहले ही आपको हमको ये प्रूव नहीं करना है कि इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोगेशन क्योंकि लिखा ही है यदि नहीं लिखा होता तो हम डिफरेंस पता लगाते और देखते कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है और तब हम बोलते कि जो सीरीज दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोगेशन है एंड बिकॉज इट इज़ एन अर्थमेटिक पोगेशन तो उसकी फर्स्ट हमको हम ए बोलते हैं विच इज़ एट एंड कॉमन डिफरेंस इज डी डी इज इकल टू कितना है माइनस करके देखोगे इट इज माइनस फाइव तो आपको मालूम चल गया और वैसे भी जब आपको सम पता लगाना होता है तो कॉमन डिफरेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको निकालना ही है तो आपने निकाल ही लिया ठीक है तो कॉमन डिफरेंस माइनस फाइव है ए इज इक्ल टू एट कितने टर्म्स का सम पता लगाना है ट्वेंटी टू दैट मीन्स एन इज इकल टू ट्वेंटी टू तो सम ऑफ़ एन टर्म्स आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है एस इज इकल टू एन अपॉइंट टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म होती है ए लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन डी आप वैसे याद रख लो यह फॉर्मूला ऐसे याद रख लो एन अपॉइन टू हाफ ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है जो आपको आसान लगे पर फॉर्मूला विल रिमेन सेम अब देखो एन की वैल्यू दी हुई है ए की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू दी हुई है जब सब दिया हुआ है पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द सम तो वेरी इजी तो एस इज इक्वल टू विकम ट्वेंटी टू अपॉइन टू वाई ट्वेंटी टू एन इज ट्वेंटी टू ए है एट टू से मल्टीप्लाई किया हुआ एट टू सिक्सटीन यहाँ एन माइनस वन एन माइनस वन कितना था ट्वेंटी टू माइनस वन क्या हुआ ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाई डी डी कितना है माइनस तो माइनस वाई जस्ट सॉलिड तो यू विल गेट दिस एंड अल्टीमेटली ये आया और इनको मल्टीप्लाई किया यू गेट द आंसर कि द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी माइनस नाइन सेवन नाइन अभी माइनस नाइन सेवन नाइन क्यों हो गया क्योंकि हमने एट से स्टार्ट किया और हर एक में माइनस कम करते जा रहे हैं दैट मीन्स वी आर इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड तो माइनस टू से माइनस फाइव करोगे माइनस सेवन मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर का सम ज़्यादा होगा दैट इज़ बाय इट इज़ नेगेटिव तो ये कन्फ्यूज नहीं होना कि सम हमेशा पॉजिटिव आता है बिकॉज वी आर एडिंग सो मेनी नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज़ बाय द सम इज़ नेगेटिव क्लियर सो विल से सो द सम ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी टू इंजीन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ माइनस नाइन सेवेंटी नाइन सो दिस वे वी हैव फाइंड आउट द सम ऑफ The first 22 terms of the given arithmetic progression. यहाँ तक clear हुए। Let's take one more example. इससे आपको थोड़ा सा और clear होगा। Example 12. If the sum of first 14 terms of an arithmetic progression is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. First 14 terms का sum दिया हुआ है, first term दी हुई है, बोल रहा 20th term क्या है, वो बता दो। So it's very easy. So what we know? वी विल राइट अकॉर्डिंगली कि नो हेयर क्या दिया हुआ है हेयर इट इज़ गिवन कि सम ऑफ 14 टर्म्स तो हम ऐसे उसमें नीचे लिख देते हैं इससे इजी क्या हो जाता है इट इज़ अ सम एंड इट इज़ सम ऑफ फोर्टीन टर्म्स का इस फोर्टीन का और कोई रिलीवेंस नहीं है जस्ट इट इज़ जो हम यहाँ लिखते हैं ना हम ऐसे लिखते हैं द सम ऑफ फोरटीन टर्म्स तब इतना सेंटेंस लिखना पड़ता है अदरवाइज वी आर राइटिंग एस फोर्टीन दैट मीन्स दिस इज़ अ सम ऑफ फर्स्ट फोरटीन टर्म्स इज इकल टू वन जीरो फाइव जीरो दैट इज़ वट इज गिवन और क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है और हमको पूछ और ये कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम है फोर्टीन मीन एन इज ईगल टू फोर्टीन फर्स्ट टर्म भी गया हुआ है ए इज ईगल टू टेन तो हम इसको फार्मूला से ऐसे लिख सकते हैं कि एस एन इज ईगल टू समर्म होते हैं तो उसका सम कितना होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन है फोर्टीन ए दिया हुआ है इस फार्मूले से हम क्या पता लगा सकते हैं डी डेट इज़ द कॉमन डिफरेंस की जो टर्म्स हैं यदि मेरे को कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाए और मैं हमको क्या मालूम है अभी तक हम क्या जाने कि यदि हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम कोई भी टर्म पता लगा सकते हैं और इस केस में ट्वेंटी एट टर्म हमसे पूछ रहा है क्योंकि अभी हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म मालूम है कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है इसलिए हम ट्वेंटी एट टर्म पता लगा सकते हैं बट अदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि सम ऑफ फोर्टीन टर्म्स दिया हुआ है तो उस फॉर्मूला से हम डी पता लगा सकते हैं तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दो तो जो जो गिवन है देखो सम दिया हुआ है एस एन वन जीरो फाइव जीरो एन कितने फोर्टीन टर्म्स का सम है टू ए दिया हुआ है टू इन टू टेन ट्वेंटी प्लस एन माइनस वन फोर्टीन माइनस वन इज थर्टीन डी हमें मालूम नहीं है तो इससे डी निकलाएगा तो इसको थोड़ा सॉल्व करो इट विल बिकम लाइक दिस इसको और सॉल्व करोगे इट विल लाइक दिस और इसको इससे डिवाइड कर दो वी ग डी इज इक्वल टू टेन तो हमको डी मालूम चल गया डी इज कॉमन डिफरेंस अब हमें ए मालूम है और डी मालूम है तो हम ट्वेंटी एट एन एट टर्म्स के फार्मूला से ट्वेंटी एट पता ला सकते हैं सो लेट्स फाइंड आउट तो एन टर्म इज ट्वेंटी एट टर्म हमें पता लगा नहीं है तो क्या फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी आई हैव नॉट इन द फॉर्मुला आई एम जस्ट राइटिंग ए प्लस एन माइनस वन डी एन क्या है ट्वेंटी एट टर्म ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी इज द कॉमन डिफरेंस इसको आप सॉल्व कर लो तो इट्स वेरी इजी टेन और यहाँ क्या आ जाएगा नाइनटीन इंटू टेन वन 190 वन प्लस टेन इज टू हंड्रेड सो हमारा ट्वेंटी एट टर्म्स निकलाई सो विल राइट दैट इज द ट्वेंटी टर्म इज टू हंड्रेड सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन कितना इजी है ओके सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एग्जांपल नंबर थर्टीन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज सेवनटी एट बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है इसमें कितनी टर्म लूँ कि उनका सम सेवनटी हो जाए और ये क्या देखो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है ट्रेंड इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो इसमें हमको क्या दिया है ए भी दिया है और डी भी मालूम चल सकता है और ए और डी मालूम है और सम दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा सकते हैं तो क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट तरीका है कि ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि इस अर्थमेटिक प्रोवेशन में कितनी में टर्म्स लूँ आंसर सेवेंटी एट आ जाए सो वी विल राइट अकॉर्डिंगली कि हे आर वट इज़ गिवन गिवन इज एज इक्वल टू ट्वेंटी फोर बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लो इज माइनस थ्री आप दूसरी टर्म से भी निकालना चाहो तो निकाल लो बट इट विल ऑलवेज सेम क्योंकि ऑलरेडी गिवन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम दिया हुआ है एन टर्म्स का हमको ये नहीं मालूम है कि कितनी टर्म्स का सम है वो ही पता लगाना है तो वी विल राइट एस एन इज इक्वल टू सेवनटी एट बिकॉज वी नो द फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड एन एंड वी नो द फॉर्मूला कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी देट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम मालूम होना चाहिए सो so, यहाँ पर सब कुछ डाल दो तो वील राइट एस एन दिया हुआ है सेवनटी एट एन अपॉइंट टू फोर्टी एट प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो लेट्स सॉल इट सो इट यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे अंदर क्या रह गया तो फिफ्टी वन माइनस थ्री एन इसको और मल्टीप्लाई कर दो विल गेट दिस फॉर्म एंड दिस इज वट इज थ्री एन स्क्वायर माइनस फिफ्टी वन एन प्लस वन फिफ्टी सिक्स इजकल टू जीरो एन इज़ अ वेरिएबल, और ये स्क्वायर में आ गया तो वट वी हैव वी हैव अ कॉर्डेटिक्वेशन और ये आप पढ़ चुके हैं क्वारेटिक्वेशन कॉर्डेटिक्वेशन को निकालने का बहुत आसान तरीका लेट्स डू इट पहले तो इसको थोड़ा और कर लो तो रिजॉल्व थ्री से डिवाइड कर सब हो जाते हैं तो कर दिया तो आंसर आ गया एन एक्वायर माइनस सेवनटीन एन प्लस फिफ्टीन फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो अब आप किसी भी मैथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहो तो डू इट या आप सिंपल फार्मूला लगा के करना चाहो तो इट्स अप टू यू तो हमने फैक्टराइजेशन मैथड से कर डाला तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई वाइन एन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो आदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो तो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स मालूम चल गए दैट मीन्स एन की वैल्यू मालूम चल गई तो एन इजिक्वल टू फोर्टीन और थर्टीन तो एन के हमको दो मालूम चल गए मीन्स इस एथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट फोर टर्म्स का सम जो होगा सेवनटीन होगा सेवेंटी एट होगा और फर्स्ट थर्टीन टर्म्स का जो सम होगा वो भी सेवनटी एट होगा तो बोथ वैल्यूज़ आर एडमिसिबल मीन्स बोथ वैल्यूज़ आर करेक्ट ये करेक्ट है कि नहीं है लेट्स चेक इट वैसे हमारा क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया हमने बोल दिया आंसर तो मिल गया हमको कि फर्स्ट फोर टर्म्स का सम सेवेंटी एट होगा और फर्स्ट थर्टीन टर्म का सम भी सेवेंटी एट होगा पर ऐसा कैसे पॉसिबल है अब लेट्स चेक इट तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कैसे क्योंकि बहुत सिंपल अर्थमेटिक है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को वी कैन राइट कि द गिवन इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन एटीन तीन टर्म्स तो इन्हना दी हुई हैं नेक्स्ट टर्म पता लगा सकते हैं क्यों क्योंकि हमें डी मालूम है तो इसमें से माइनस थ्री माइनस थ्री कम करते जाओ सो वी कैन राइट दिस वे तो हमने कहाँ तक लिखा टोटल थर्टीन टर्म्स लिखे फर्स्ट से स्टार्ट की अप टू थर्टीन टर्म राइट हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट फोर टर्म्स का सम मीन्स 24 फोर प्लस ट्वेंटी वन प्लस एटीन प्लस फिफ्टीन का सम क्या होता है 78 होता है और आप करके भी देखो इट इज़ सेवेंटी एट वेयर इज वी आर ऑल्सो सेग कि फर्स्ट थर्टीन टर्म का सम भी 78 होता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप इसमें ध्यान से देखें कि ये फोर्थ टर्म 12 है और लास्ट टर्म क्या है? देखो इसमें थर्टीन टर्म क्या है माइनस ट्वेल्व फिर ये क्या है नाइन है ये माइनस नाइन ये सिक्स है ये माइनस सिक्स दैट मीन्स ये सारी की सारी टर्म्स यदि आप सम करोगे तो प्लस माइनस होती हो गई इस वजह से फिर नलीफाई हो गए, हो गए नली हो तो इनका सम क्या हो गया जीरो तो मैं फर्स्ट फोर टर्म का सम बोलूँ या फर्स्ट थर्टीन टर्म का सम बोलूँ वो सेवनटी एट ही रहने वाला है दैट मीन्स कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें एंड एंडहेंस द सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म इज आइदर दर फोर और थर्टीन इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्लियर हो गया वेरी गुड एग्जाम्पल फोटीन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट वन थाउजेंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द सेकेंड पार्ट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ये हमको पता लगाना है सो लेट स्टार्ट कैसे लिखेंगे हम कि लेट एस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट वन थाउजेंड नंबर्स ये हमें पता लगाना एस और ये क्या है जो वन थाउजेंड इंटीजर्स जो है जो सीरीज़ है वह क्या है हर एक में डिफरेंस देखो देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ वन सो इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले हमको कन्फर्म करना पड़ेगा ना है कि नहीं तो है स्टार्टिंग टर्म इसकी ए है लास्ट टर्म क्या है थाउजेंड सो so, आप इनका सम इजीली निकाल सकते हो यू नो द फॉर्मूला सो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन राइट एस एन इजिकल टू यही फॉर्मूला था एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी ये लिख सकते हैं एक तो यही है या हमको यहाँ लास्ट टर्म दी हुई है और हमको मालूम है ये क्या होता है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो हम इसको दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं तो सम इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल मीन्स मैंने इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं हम इससे सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा और इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें तो भी आ जाएगा ये बस लिखने का तरीका अलग हो गया ओके सो ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज़ वन लास्ट टर्म इज वन थाउजेंड नंबर ऑफ टर्म्स एन कितनी है वन थाउजेंड तो सम निकाल सकते हैं थाउजेंड टीजर एंड दैट टू द पॉजिटिव टीजर इज इक्वल टू वन थाउजेंड डिड बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस वन थाउजेंड इसको आप सोल्व कर लीजिए सो वट गेट फाइव लैक फाइव थाउजेंड इज़ दम ऑफ ऑल वन थाउजेंड पॉजिटिव will in the end we will write the sum of first वन थाउजेंड पॉजिटिव इंटीजर इज दिस मच इट्स वेरी इजी यदि आप इस वाले फार्मूले में भी डालते हैं क्योंकि ये सेम ही फार्मूला है तो यू कैन सी ये वन थाउजेंड अपॉन टू इसमें भी है अंदर फर्स्ट टर्म क्या है ट्वाइस ऑफ ए फर्स्ट टर्म क्या था वन मीन्स टू हो गया एन माइनस वन मीन्स वन थाउजेंड वन मीन्स नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन कितना है वन तो नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन प्लस टू क्या होता वन थाउजेंड वन यही चीज़ आ रही थी तो आपको ये याद रहे या ये याद रहे आपको बेसिकली हमेशा यही याद रहने वाला है ओके okay? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लेट्स टी द सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल फोर्टीन द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का आंसर तो हम क्या लिखेंगे एस एन इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स अब इसमें देखो लास्ट टर्म मालूम है फर्स्ट टर्म मालूम है डिफरेंस डी भी मालूम है एग्जैक्टली exactly जैसे ऊपर ही है बस उतना ही डिफरेंस है एन जो है यहाँ पे थाउजेंड था यहाँ एन लिख दिया सो वी यू कैन यूज़ आईदर दिस फॉर्मूला और द बिगर वन विच अवर यू वॉन्ट सो वी विल राइट हेयर ए इज इक्वल टू वन एंड द लास्ट टर्म एल इज इक्ल टू एन देअर फोर हम इस वाले फॉर्म में देखते हैं तो यू कैन राइट एन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू और फर्स्ट टर्म तो वन ही है लास्ट टर्म क्या है एल जो है वो क्या है एन तो दिस कैन बी रिटर्न एज एस एन इजिकल टू एन वन प्लस एन डिवाइड बाई टू ये लिख सकते हैं और जब हम ये लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सा और रिफाइंड कर लेते हैं मतलब थोड़ा री एडजस्ट कर लेते हैं वी कैन राइट द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय एस एन इजल टू एन एन प्लस वन बाई टू क्या हुआ हमने वन को इस साइड लिया है बस इतना ही रीअरेंज किया और इसमें तो कोई इशू नहीं है वन प्लस एन हो या एन प्लस वन ये कि मतलब सो वट वी गेट वी गेट कि कभी भी इंटीजर्स का सम निकालना होता है एन इंटीजर्स यदि आपको दिए हुए हैं कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स तो उनका सम हमेशा यही होता है एन एक तो जो भी नंबर है वो उससे अगला नंबर को मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द आंसर डिवाइड बाई टू क्लियर है सो दिस में वी है सॉल एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन लेस्ट एक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल फिफ्टीन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी फोर टर्म्स ऑफ़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज एन एथ टर्म इज गिवन बाई दिस तो हमको सम पता लगाना है फर्स्ट ट्वेंटी फोर टर्म्स का एक नंबर लिस्ट होगी उसका एन एथ टर्म दिया हुआ है यदि एन एथ टर्म दिया हुआ है तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता लगाना बहुत ईजी है वैसे तो क्योंकि एन की वैल्यू डालते जाओ यू विल गेट डिफरेंट टर्म्स सो लेट स्टार्ट देट में ओनली हेयर ए एन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू एन दैट इज़ वट इज़ गि दिज द एन एथ टर्म यदि एन की वैल्यू वन होगी तो ए वन हो गया और यहाँ पे वन डाल दो तो थ्री प्लस टू इंटू वन टू दैट मीन्स फाइव तो हमारी जो नंबर लिस्ट है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया फाइव एक और नंबर पता लगा लो ए टू इज इकल टू थ्री प्लस टू इंटू टू क्योंकि एन इज इक्वल टू टू तो हमको क्या नंबर मिल गया सेवन तो सेकेंड टर्म क्या आ गई सेवन एक और टर्म पता लगा लो क्यों पता लगानी जरूरी होती है एक और टर्म वो इसलिए अभी बताता हूँ थ्री प्लस टू इंटू थ्री एन की वैल्यू थ्री हो गई तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी गई नाइन इससे हमको ये मानूम हम चला कि दो list of numbers जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो दिए हैं वेदर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए देखो सेवन माइनस टू सेवन माइनस फाइव इज़ टू नाइन माइनस सेवन इज़ टू दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम सो वी कैन राइट कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच रिप्रेजेंटेड बाई दीज थिंग्स फाइव सेवन नाइन अगला क्या हुआ एलेवन सो ऑन कंटिन्यूस चलता जाएगा

एन की वैल्यू क्या होगी ट्वेंटी फोर ए आपको दिया हुआ है ए क्या है फाइव डी आपने निकाल ही लिया तो आप इजीली फार्मूला को यूज़ करके एस ट्वेंटी फोर्थ निकाल सकते हो मी सम ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी फोर नंबर्स सो लेट्स डू इट एन ट्वेंटी फोर ए फाइव डी इज इक्वल टू टू वी यूज़ द फार्मूला एस एन एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहिए था मैं लिखना भूल गया हूँ लिखना जरूरी है मस्ट है ओके okay? तो आपने जब वैल्यूज डाल दोगे वट यू विल गेट इसको सॉल्व कर लो finally you will get ki, Sn24 means sum of 24 terms for this, this list of number is how much 672 so write it down so the sum of first 24 terms of the list of numbers is 672 so this way we solve the given problem okay so this is our last example of this chapter so example number 16 टी वी मैन्युफैक्चर मैनुफैक्चर ऑफ टी वी सैट्स प्रोड्यूस सिक्स हंड्रेड सेट्स इन थर्ड ईयर सेवन हंड्रेड सेट्स इन सेवंथ ईयर अज्यूमिंग दट द प्रोडक्शन इंक्रीज इज यूनिफॉर्मली बाय नंबर एवरी ईयर तो वी हैव टू फाइन पहले क्या पता लगाना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि वो सिक्स हंड्रेड सेट्स बनाए थर्ड ईयर में उसने सिक्स हंड्रेड सेट्स बनाए सेवंथ ईयर में उसने सेवन हंड्रेड बनाए और ये बोल रहे हैं कि उसका जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है हर साल यूनिफॉर्मली हो रहा है यूनिफॉर्मली हो रहा है मींस इट्स इट इज़ फॉलोइंग आर्थमैटिक प्रोग्रेशन मीन्स कॉमन डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है राइट right? तो हमें क्या पता लगा पहला क्वेश्चन बोलता है कि उसका पता लगाओ फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा फिर सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर में बताओ हो कितना होगा एंड द थर्ड क्वेश्चन है कि टोटल प्रोडक्शन इन सेवन ईयर्स टोटल प्रोडक्शन सेवन ईयर में कितना हुआ कि फर्स्ट ईयर से लेकर सेवन ईयर का टोटल उसने कितने टीवी सेट्स बनाए ये हमें पता लगाना है हाउ वी विल सॉल इड तो पहले वाले को पहला पता लगाते हैं कि फर्स्ट ईयर्स में उसने कितने प्रोड्यूस किए सो विल राइट दिस वे सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीज इज यूनिफॉर्मली फिक्स नंबर एवरी ईयर द नंबर ऑफ टी ई सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स विल फॉर्म ए पी क्योंकि एटोमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज फिक्स एंड इफ इट इज फिक्स सो लेट्स नोट द नंबर ऑफ टी वी सेट्स मैन्यूफैक्चर्स इन द एनेयर बाई एन तो हम बोल सकते हैं किसी भी ईयर में ये वो ये एन एन एथ ईयर है तो एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इफ दैट इज द केस सो क्या क्या दिया हमें थर्ड ईयर में उसने सिक्स हंड्रेड बनाया दैट इज वट इज गिवन और सेवंथ ईयर में उसने ए सेवन मीन्स सेवन हंड्रेड बनाया तो मीन्स हमको दो ईयर्स का यह एन एट टर्म दी हुई है थर्ड ईयर में कितने बनाए और सेवंथ में कितने बनाए और यदि हमें थर्ड ईयर और सेवंथ ईयर में मालूम है तो तो वी नो द फॉर्मूला कि थ्री को क्या लिख सकते हैं एन एट टर्म यदि थ्री होती है तो ए प्लस एन माइनस वन डी दैट मीन्स ए प्लस टू डी लिख सकते हैं सिमिलरली सेवन मींस ए प्लस एन माइनस वन डी एन माइनस वन कहते होंगे तो सिक्स हो जाएगा सिक्स डी तो ए प्लस डी इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड एन ए प्लस टू डी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड तो वी हैव टू इक्वेशंस और जब हमारे पास टू इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत ईजीली आता है एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एंड ए इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप कर सकते हो इसीलिए तो मैंने बट डायरेक्ट लिख लिखा कि बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ए इज इक्वल टू फाइव फिफ्टी अब देखो मुझे फर्स्ट टर्म मालूम चल गई मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया तो मैं किसी भी ईयर में पता लगा सकता हूँ कितना प्रोडक्शन हुआ और फर्स्ट केस में हमें क्या पता लगाना प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या हुआ था फर्स्ट टर्म दैट इज 550 सो वी विल राइट देअर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी वी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर इज फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी क्लियर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन द प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर तो हमको क्या पता लगाना है ए टेन ए टेन क्या होगा है ए प्लस एन माइनस वन डी दैट मीन्स नाइन डी ए मालूम है डी मालूम है उनको डाल दो वैल्यूज तो एट टेंथ की वैल्यू आ गई सेवन हंड्रेड एंड फाइव तो दिस वे वी हैव फाइंड आउट द सोल्यूशन सो वील राइट सो द प्रोडक्शन ऑफ टी वी सेट्स इन द टेंथ ईयर इज सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव लास्ट वन द टोटल प्रोडक्शन इन सेवन ईयर्स सो लेट्स फाइंड आउट सम क्या होगा एस सेवन इज इक्वल टू एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी हर चीज दी हुई है ए भी दिया डी भी दिया एन भी दिया तो हमको सम मालूम चल गया सो लेट्स सॉल्व सो द सम इज़ फोर थ्री सेवन फाइव मीन सेवन ईयर्स में टोटल उन्होंने इतने टी वी सेट्स बनाए तो राइट डाउन सो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी वी सेट इन सेवन ईयर्स इज फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम और ये जो एग्जाम्पल था इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमने बहुत सिंपल तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लिया कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एन एड टर्म क्या होती है और सम ऑफ एन एड टर्म क्या होता है ये छोटा सा चैप्टर था बहुत ईजी चैप्टर था If you revise it, you will learn it. Okay. Thank you. So, if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration at gmail.com. And please like, share, and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.